अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह व नऔजु बिललाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्लला व मन युदलिलहु फला हादियला व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه معزز ومكرم الله کے فضل و کرم سے ایک दीनी मजलिस के हम लोग यहाँ सब इकट्ठा हैं। सबसे पहले अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमारे इस उठने बैठने को कबूल फरमाएं और हमारा जो भी मुआमला यहाँ पर हो वो खालिस लिवजहिल्लाह हो। जैसे कि आप सब जानते हैं कि एक उन्वान के तहत हम यहाँ आपस में इकट्ठा हैं। उन्वान है गलतियों की इस्लाह का नबूवी तरीक़ा, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब देखते या आपको बताया जाता कि फ़लाँ शख्स ने या किसी जमात ने गलती की है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीक़े से उनकी इस्लाह करते थे, क्योंकि आपका तरीक़ा यह अल्लाह की जानिब से बनाया हुआ तरीक़ा था। तो लिहाजा जो आयत करीमा मैंने पढ़ी जिसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाते हैं कि बेशक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तुम्हारे लिए नमूना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चलना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लोगों के साथ तआमुल करना और खुसूसी तौर पर गलत काम करने वालों के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तआमुल था इसका सीखना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले अगर जिक्र करें गलती की, तो आप जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कुछ इस तरह पैदा किया है कि हम कमज़ोर हैं। हम में से कोई शख्स ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि मुझसे गलती नहीं हो सकती। गलती ना होने की सबसे पहली वजह यह है कि अल्लाह ने हमें पैदा ही ऐसे किया, हमारी फितरत ही ऐसी है। अल्लाह कुरान में खुद कहता है कि वह खुलकल इंसान ज़ईफा, कि हमने इंसान को बड़ा कमज़ोर बनाया है। इंसान चाहे जिस्म के एतबार से कितना भी खूबसूरत हो, चाहे ताकत के एतबार से कितना भी मजबूत हो, लेकिन उसकी सारी ताकत, उसकी सारी खूबसूरती, उसकी सारी सलाहियतें ये हमारे फ़ज़ल की वजह से उसके पास हैं। वरना अगर अल्लाह तबारक व तआला कोई एक छोटा सा मर्ज़ पैदा कर दे या अल्लाह तबारक व तआला उसके अंदर किसी एक ऐसी चीज़ को रख दे तो उसकी सारी की चीज़ें धरी की धरी रह जाती हैं। तो अल्लाह तआला कहता है कि वह खुलकल इंसान ज़ईफा, कि हमने बुनियादी तौर पर इंसान को कमज़ोर बनाया है। फिर एक जगह गलती के ताल्लुक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुल्लु बनी आदम खत्ता व खैरुल खत्ताईन अत्तवाबुन, कि जितने भी इंसान इस रोए ज़मीन में आए हैं, जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने बरपा किया है या जो क़यामत तक आएंगे, इसमें सब, चाहे नबी हो, चाहे वली हो, रसूल हो, सब के सब इसमें शामिल हैं। अल्लाह फरमाता है कि सब खताकार हैं, सबसे कोई ना कोई गलती ज़रूर हो जाती है, गलती का सुदूर हो जाता है। बल्कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वह खैरुल खत्ताईन अत्तवाबून, बल्कि गलती करने वालों में भी अल्लाह को वो गलती करने वाले ज्यादा पसंद हैं जो गलती करने के बाद अल्लाह से तौबा करते हैं। गलती एक इंसान करता है और गलती करना हमारी फितरत में है, लेकिन जो इंसान गलती करने के बाद अपनी गलती को मान लेता है
और अल्लाह से तौबा करता है, अल्लाह ऐसे बंदे से मोहब्बत करता है, अल्लाह ऐसे बंदों को पसंद फरमाता है। बल्कि एक हदीस मुबारक के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी प्यारी बात फरमाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, कहते हैं कि लौ लम तुज़निबु लज़हबल्लाहु बिकुम वजाअ बिक़ौमिन यज़निबून थुम्मा यस्तग़फिरून। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला को तौबा करना इतना पसंद है कि एक बंदा जब अल्लाह से माफी मांगता है तो ये बंदे का आजिज़ी दिखाकर, अपने आप को कुछ ना समझकर, अल्लाह की शान में उसकी अजमत में अपने आप को झुकाकर अल्लाह से तौबा मांगना, ये तौबा का अमल अल्लाह को इतना पसंद है कि अगर तुम गुनाह ना करोगे तो करीब है कि अल्लाह तुमको सबको यहां से ले जाएगा और एक तुम्हारी जगह ऐसी कौम को लाएगा जो गलतियां भी करेंगी और अल्लाह से तौबा भी करेंगी। तो आप समझ सकते हैं कि गलती तो हमसे होनी ही है, लेकिन अगर कोई इंसान इतना हिफाजत से रहे कि अपने आप को किसी गलती में मुलव्वस ना करे तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को पसंद नहीं करेगा, बल्कि चाहेगा कि ऐसी कौम हो जो गलतियां भी करें और अल्लाह से माफी मांगे। क्योंकि अल्लाह ये नहीं कहता कि तुम गलतियां करो, लेकिन अल्लाह कहता है कि गलती हो जाए तो फौरन तौबा करो। ये तौबा का अमल अल्लाह को इतना पसंद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मशहूर है, आपने बारहा सुनी होगी कि एक शख्स था अपनी सवारी को लेकर सहरा में निकल गया। अब सहरा में जैसे ही पहुंचा एक दरख्त नजर आया, वहां पर उसने अपने ऊंट को बांध दिया। अब ये ऊंट उसका सब कुछ है, उसके खाने पीने का सामान ये ऊंट है, उसकी जिंदगी को बाकी रखने का जरिया ऊंट है, और ये जो सहरा जिसके बीच में वो है ये सहरा को पार करने का जरिया भी ऊंट है। अब वो इंसान ऊंट को बांध देता है, दरख्त के नीचे आराम से सो जाता है। कुछ देर बाद उसकी निगाह खुलती है तो क्या देखता है कि जिस ऊंट को उसने मजबूती से बांधा था वो ऊंट गायब है, ऊंट है ही नहीं। अब वो इंसान परेशान हो गया, सबसे पहले खतरा उसे अपनी जान का होने लगा कि कहीं अब मर ना जाऊं, यहां से जाऊं तो कैसे जाऊं, खाऊं तो क्या खाऊं, पीऊं तो क्या पीऊं। उसने इधर तलाश किया, उधर तलाश किया, तलाश कर करके थक गया, यहां तक के मारे थकान के उसे दोबारा नींद आ गई, जाकर उसी दरख्त में दोबारा नीचे सो गया। कुछ देर बाद फिर उठा, थकान से जो नींद भी उससे उठा तो अपनी ऊंटनी को, अपने जानवर को वैसे ही देखता है जैसे उसने पहले छोड़ा था। तो इंसान इतना खुश हुआ कि मारे खुशी के कहता है कि मेरे परवरदिगार मैं तेरा रब हूं तू मेरा बंदा है। मारे खुशी के क्या कहता है कि तू मेरा बंदा है मैं तेरा रब हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि इस इंसान को अपनी जानवर को देखकर, अपनी जिंदगी को बाकी रहने के जरिए को देखकर जितनी खुशी हुई, इससे ज्यादा खुशी अल्लाह को उस वक्त होती है जब कोई बंदा अल्लाह से तौबा करता है, जब कोई बंदा अल्लाह सुबहानहू तआला से तौबा करता है। तो इन बातों से एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि गलती करना हमारी फितरत है और हम में से हर शख्स गलती करता है। तो लिहाजा ये तसव्वुर करके चलना है, ये मान कर चलना है कि गलतियां हर किसी से होंगी, किसी की गलतियां पता चलती हैं, किसी की गलतियां पता नहीं चलती। अब इसके बाद तआमुल शुरू करें। सबसे पहले इस बात को मान लें, अगर मैं आपसे पूछूं कि गलती कहते किसे हैं, शरीयत ने गलती किसको कहा है, गलती शरीयत उसको कहती है जो इंसान अनजाने में करे, जो इंसान अनजाने में करे। जैसे गलती से गलती का होना, जानबूझकर अगर कोई इंसान काम करे फिर उसे गलती कहे तो शरीयत इसे गलती नहीं कहती, शरीयत इसे गलती नहीं कहती। तो शरीयत इस्लाम ने गलती किसे कहा है, जो इंसान से अनजाने में भूल चूक कर और गलती से गलती हो जाए, ठीक है। अब जहां तक ये जो मेयार इस्लाम ने बनाया कि इंसान से गलतियां हो जाती हैं, ये कहां तक हो सकती हैं? क्या हम ये कह सकते हैं कि कोई इंसान गलती से किसी को कत्ल कर सकता है? क्या कोई इंसान ऐसा हम ये कह सकते हैं कि गलती से इसने अपने औलाद को मार दिया? गलती का मेयार क्या है, उसकी क्राइटेरिया क्या है, उसकी हद क्या है जिसे इस्लाम बयान करे कि यहां तक करे तो गलती है, इसके ऊपर जाए तो गलती नहीं है। याद रखें, जब हम कुरान को पढ़ते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें हमें समझ में आती है। सबसे अहम चीज जो हमें ये समझ में आती है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस तरह पैदा किया है कि हमसे गलतियां होंगी तो ये गलती छोटी भी हो सकती है और ये गलती बड़ी भी हो सकती है। अब बड़ी गलती कितनी बड़ी हो सकती है, अल्लाह ताला कुरान में एक बड़ी गलती का जिक्र करते हुए कहता है कि इंसान भूले में, इंसान से अनजाने में इतना बड़ा गुना भी गलती से हो सकता है। वो क्या है, कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है कि वमा काना लिमुमिनिन अन यक्तुल मुमिनन इल्ला खता, कि कोई मोमिन किसी मोमिन को कत्ल नहीं कर सकता सिवाय गलती के, कोई मोमिन किसी मोमिन को कत्ल नहीं कर सकता मगर गलती से। तो अल्लाह ताला ने कहा कि एक मोमिन किसी मोमिन को जानबूझकर कत्ल नहीं कर सकता, अगर जानबूझकर कत्ल करेगा तो मोमिन नहीं है, और अगर किसी मोमिन ने किसी मोमिन को कत्ल कर दिया तो जरूरी यहां होगी कि उसने गलती से कत्ल किया होगा। मिसाल के तौर पर कि एक इंसान के हाथ में तीर था,
अब वो किसी तीर से किसी चीज का शिकार कर रहा है या तीर से कोई चीज सीख रहा है, वहां कोई इंसान था नहीं, तो उसने निशाना लगाया और तीर को हवा में बरसा दिया, लेकिन वो तीर हवा की वजह से गलती से किसी इंसान को जाकर लग गया और वो इंसान मर गया। अब शरीयत कहती है कि उसने ये गलती जानबूझकर नहीं की बल्कि उससे अनजाने में हुई है, बगैर इरादे की हुई है, तो शरीयत इसे भी गलती मानती है, शरीयत इसे भी गलती मानती है। इसके अलावा अल्लाह तबारक व तआला ने और एक गलती का जिक्र करते हुए फरमाया कि वला तक्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक नहनु नरज़ुकुहुम व इय्याकुम इन क़त्लहुम कान खत्अन कबीरा। अल्लाह फरमाता है कि तुम अपनी औलाद को खाने पीने के कम होने के डर से, फकर व फाका के डर से उन्हें कत्ल ना करो, इसलिए कि हम तुम्हें भी रिस्क देते हैं और उनको भी रिस्क देंगे, और लिहाजा जिसने अपनी औलाद को कत्ल किया उसने बहुत बड़ी गलती को अंजाम दिया, जिसने अपनी औलाद को कत्ल किया उसने बहुत बड़ी गलती को अंजाम दिया। इस आयत पर गौर करें, अल्लाह तबारक व तआला ने किस गुनाह को गलती करार दिया कि एक इंसान अपनी औलाद को कत्ल कर देता है, चाहे वो मादर रहम में हो, माँ के पेट में हो या पैदा होने के बाद हो। और आप जानते हैं कि जब यह आयत करीमा नाजिल हुई थी उस वक्त अरब की क्या हालत थी, ये लोग अपनी बेटियों को पसंद नहीं करते थे, बेटियों से नफरत करते थे, क्योंकि सारा मुआशरा जो बेटियों का किरदार मुआशरे में था वो ऐसा ही था, बेटियों का गलत इस्तेमाल या बेटियों औरतों की इज्जत को पामाल करना। तो लिहाजा इंसान ऐसी बेटी को अपने घर में कैसे रखे या कैसे पाले जो आगे चलकर बाप के लिए आयत का जरिया बनने वाली है, कोई ना कोई उसे उठा ले जाएगा या वो अपनी इज्जत को खुद नीलाम करेगी। तो ये लोग सोचते कि हमारी इज्जत को बड़ी होकर नीलाम करने से बेहतर है बचपन में इस मसले को खत्म कर दो। तो लोग औलाद को अपनी बेटियों को कत्ल करते आयब समझते बल्कि इतना बड़ा उसे जुर्म समझते। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी लोगों की हालत को जिक्र करते हुए फरमाया कि इज़ा बुशरा अहदुम बिल उज़ा ज़ल्ला वस्हु मुजवद्दा, कि जब किसी इंसान को बेटी की खुशखबरी दी जाती और कहा जाता कि तुम्हारी यहां बेटी पैदा हुई है, उसका चेहरा मारे गुस्से के काला हो जाता, मारे शर्मिंदगी की वो अपने चेहरे को काला करता और लोगों से अपने चेहरे को छुपाकर भागा करता था। तो आप देखें कि जमाने जाहिलियत में लोगों ने अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर किया, जिंदा जमीन में गाड़ दिया, या तो पेट में मार दिया जाता था और उस वक्त यह होना मुश्किल था, लेकिन औलाद पैदा होने के बाद उस वक्त होता था। आपने वो सहाबी का किस्सा बारहा सुना होगा कि वो अपनी बेटी को ले गए, ले जाकर दफना दिया और वो बेटी पुकारती रही, वो बेटी कहार लगाती रही कि अब्बा जान मेरे साथ ऐसा ना कीजिए, मगर बड़ी होकर जो आर जो बड़ी होकर वो शर्मिंदगी बाप को देने वाली थी, बाप उस शर्मिंदगी की वजह से और एक शर्मिंदगा का काम करता है और अपनी बेटी को जिंदा जमीन में गाड़ देता है। तो ये वक्त होता था। तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि कोई भी इंसान जानबूझकर अपनी औलाद को ना मारेगा और ना ही अपनी औलाद को कत्ल करेगा मगर गलती से। चलिए अब एक सवाल मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूंगा कि चलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इतना बता दिया, रसूल ने हमें बता दिया कि गलती हर किसी से होती है और गलती क्या बहुत बड़ी भी हो सकती है, यहां तक कि कत्ल भी गलती से हो सकता है, यहां तक कि औलाद का कत्ल, अपनी औलाद का कत्ल भी गलती से हो सकता है, तो क्या जरूरी है कि हम हर किसी की गलती को तलाश करें, हर किसी की गलती को मारकर उनकी इसलाह करें? आप ऐसा ना करें। जैसे आजकल माहौल क्या है कि आप अपने घर में सही है, हम अपने घर में सही है, ना आप हमें टोकिए ना हम आपको टोकेंगे। आज मगरबी जो तहजीब यही कहती है, क्या कहती है कि आप जैसा चाहे वैसा बिहेव करें, क्योंकि फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ चॉइस है, आपको अल्लाह ने आजादी दी, जो चाहे आप लिबास पहनिए। ख्वातीन कहती है कि माई चॉइस, मैं जैसा चाहूं लिबास पहनूं, मुझे कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए इसी बात की वजह से बहुत सारे लोग इल्जाम लगाते हैं मुसलमानों पर कि इस्लाम के अंदर औरतों पर जुल्म किया गया, इस्लाम क्या करता औरतों को, ऐसा लिबास पहनिए, ऐसा मत पहनिए, वैसा मत पहनिए, बुरका इस तरह पहनिए, घर के अंदर रहिए, घर से बाहर मत निकलिए। एक ही बाप के दो औलाद हैं, ठीक है, बाप और बेटी है, बेटे को तो पूरी आजादी इस्लाम ने दी लेकिन बेटी को इस्लाम ने कैद करके रखा। तो ये जो फ्रीडम के जो ये बात करते हैं, उसी फ्रीडम के नाम पर ये बहुत सारे एतराजात इस्लाम के अंदर करते हैं। अब सवाल मेरा आपसे ये है, क्या किसी की गलती देखने के बाद उसे इस्लाह करना जरूरी है? कोई गलती कर रहा है तो करने दीजिए, अगर आप सही हैं, जैसे आज कहते हैं कि अगर हम सही हैं तो दुनिया जाए भाड़ में, हमें क्या फर्क पड़ता है। अगर हम अपने घर में सही हैं, मेरे बच्चे सही हैं, तो क्या हुआ दूसरों के बच्चे बिगड़ गए तो उनका मसला है। क्या इस्लाम भी इस तरह का तसव्वुर रखता है? क्या किसी की गलती की इस्लाह करना जरूरी है? अगर जरूरी है तभी जाकर इस जो बातें की जा रही है इसका फायदा होगा। जी हां, बिल्कुल जरूरी है। आप किसी गलती करने वाले की गलती को देखकर खामोश नहीं रह सकते।
आपको पता है कि सामने वाला इंसान गलत है, अब फर्क नहीं पड़ता कि वह गलती करने वाला आपका बाप है, फर्क नहीं पड़ता कि वह गलती करने वाली आपकी औलाद है, आपकी बेटी है, आपका दामाद है, कौम का बड़ा सरदार है, इमाम ही क्यों ना हो, अगर गलती किसी से हो जाती है तो उसे रोका जाएगा, उसे टोका जाएगा, उसे समझाया जाएगा। क्यों? बहुत सारे रीजन है। पहले रीजन ये है, क्या आप जानते हैं कि कुरान हदीस में अल्लाह उसके रसूल ने हमें क्या कहा कि सारे मुसलमान एक जिस्म के जैसे हैं। अल्लाह ताला ने क्या कहा कि सारे मुसलमान एक जैसे हैं। मतलुल मुमिनीना फी तवादुहिम व तरातुहिम कमसल जसद, कि मुसलमानों का आपस में एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे से मोहब्बत करने के मसले जिस्म के जैसे हैं। अगर जिस्म के किसी एक हिस्से में इंसान को तकलीफ पहुंचती है तो तकलीफ पूरा जिस्म महसूस करता है। अगर एक इंसान ने गलती की, चाहे वो आपका जमात का हो या गैर जमात का हो, आपका पड़ोसी हो या पड़ोसी ना हो, अगर मुसलमान है उससे गलती होती है तो उसकी वजह से आपके दिल में तकलीफ होनी चाहिए। उसी तरह जिस तरह की अगर आपकी उंगली में चोट आ जाए तो क्या पूरे जिस्म को तकलीफ महसूस नहीं होती है? क्या पूरा जिस्म इसको महसूस नहीं करता है? अल्लाह के नबी ने और एक दूसरी मिसाल देकर समझाया, दूसरी मिसाल देकर यूं समझाया। मिसाल के तौर पर समझ ले कि जितने लोग यहां बैठे हैं सब एक कश्ती में जाकर बैठ गए। कहां बैठे हैं? कश्ती में जाकर बैठे। छोटी सी बोट है, सब उसमें बैठे। अब इंसान क्या करता है, एक इंसान खामोशी से बैठे बैठे एक मेख लेकर आए और आहिस्ता से कश्ती में होल कर रहा है। अब कह रहे हैं कि रोको रोको, कश्ती में होल कर रहा है, तो दूसरे लोग कहते हैं कि मरता है तो मरने दो, कश्ती में होल करता है तो करने दो, सबसे पहले पानी उसी के पास आएगा, सबसे पहले वही डूबेगा। तो अब ऐसे इंसान के बारे में आप क्या कहेंगे? जब कश्ती एक है तो छेद एक आदमी करेगा तो पूरी कश्ती डूब जाएगी। ऐसे ही मसला मुसलमानों का है, अगर एक सूद खाएगा दूसरे लोग उसे नहीं रोकेंगे तो उसका गुनाह सब पर आएगा। क्योंकि अल्लाह के नबी ने क्या कहा कि मुसलमान एक दीवार के जैसे, एक ईंट से मिलकर दूसरी ईंट मिलती है तब जाकर क्या होता है, एक मुकम्मल दीवार बनती है। और ऐसे ही इस्लाम का मसला है, गलतियों के मसले में रोकना जरूरी है, गलतियों के मसले में रोकना जरूरी है। पहली रीजन क्या है कि सब आपस में एक दूसरे के साथ हम वेल कनेक्टेड है, वेल जुड़े हुए हैं। हमारा कुरान एक है, हमारा रब एक है, हमारा रसूल एक है, हमारा क़िबला एक है, तो लिहाजा हमारा दीन जिंदगी जीने का तरीका भी एक होना चाहिए, हमारा जीने का तरीका भी एक होना चाहिए। दूसरी वजह ये जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दीन अता किया है, ये दीन नाम ही नसीहत का है। दीन किसका नाम है? नसीहत का। क्या आप दूसरों को नसीहत करेंगे? या तो आप अपने नफ्स को नसीहत कीजिए या किसी गैर को नसीहत कीजिए, नसीहत करने का नाम ही दीन इस्लाम है। अगर आप दीन इस्लाम में अपने आप को मुसलमान मानते हैं, कहते हैं कि मैं मुसलमान हूं, दूसरों को नसीहत नहीं करते हैं, तो हकीकी तौर पर आप मुसलमान है ही नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अद्दीन अन्नसीहा, कि दीन नसीहत का नाम है, दीन दूसरों को फायदा पहुंचाने का नाम है, दीन दूसरों को समझाने का नाम है। तो सहाबा ने पूछा कुल्ला लिमन या रसूलल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी ये तो बताइए कि ये नसीहत किसके लिए हो? अल्लाह के नबी ने कहा लिल्लाहि व रसूलिहि व लिउम्मतिल मुस्लिमीन व आम्मती। अल्लाह के नबी कहते हैं अल्लाह के लिए नसीहत करना है, उसके रसूल के लिए नसीहत करना है, या इसी तरह कौम के बड़ों के लिए, कौम के आम इंसान के लिए, हर इंसान को नसीहत की जाएगी। एक तीसरे रीजन, गलतियों की इस्लाह करना इसलिए जरूरी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें खैर उम्मत बनाया। अल्लाह ताला ने इससे पहले बहुत सारी उम्मतें गुजरी, अभी हमसे पहले जो उम्मत नसारा की, ईसाइयों की थी, उनसे पहले यहूदियत थी, उससे पहले और भी बहुत सारे अदियान गुजरे। जितने दीन या जितने नबी, जितने कौम वाले अल्लाह ने भेजे हैं, उनमें सबसे बेहतर हमको बनाया, सबसे बेहतर हमको बनाया। क्या वजह है कि हमको उन कौमों में से अलग इम्तियाज दिया गया, हमें सबसे अच्छा बनाया गया। वजह जानते हैं आप क्या वजह है? क्योंकि हम लोगों को भलाई का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं। ये हमारा तुर्रा इम्तियाज है, यही हमारी स्पेशलिस्टी है, यही हमारी अहम चीज है कि अल्लाह ने हमें बेहतर इसलिए बनाया है कि हम गलती को देखकर खामोश नहीं रहते, भलाई का हुक्म भी देते हैं और बुराई से मना भी करते हैं। जैसे कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाई, आयत आपने बारहा सुनी होगी, आयत क्या है कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, तुमको इसलिए निकाला गया। गलती की इस्लाह क्यों करना जरूरी है? क्योंकि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा है। अभी मैंने आयत पढ़ी कि लकद काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, ये बेशक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। कि अल्लाह के नबी गलतियों की इस्लाह नहीं करते थे? करते थे या नहीं करते थे? अल्लाह के नबी जब करते थे तो हमको भी करना है, क्योंकि हम अल्लाह के नबी की बात मानने वाले हैं, हम आपके शाना बशान चलने वाले हैं, तो लिहाजा हम गलतियों की इस्लाह क्यों करेंगे? अगर कल आप करो, अगर आप किसी की इस्लाह करने लग जाएं, कोई इंसान आपसे कहे कि भाई अपना देखो, मेरी गलती में तुमको क्या है, मेरे फड्डे में टांग अड़ाने का तुम्हारा क्या मसला है, तो आप उससे हक से कहिए कि मेरे नबी ने यह किया तो मैं भी ये करूंगा, मैं मुसलमान हूं, मैं दीन इस्लाम पर हूं, दीन इस्लाम का मतलब ही नसीहत करना है, तो लिहाजा मैं नसीहत करूंगा। हमारे यहां ऐसा नहीं कि तुम्हारा पर्सनल मसला है, हमारा मसला अलग है। इस्लाम के अंदर जब हम एक साथ रहते हैं तो किसी का मसला
कोई पर्सनल नहीं है। अगर किसी एक के घर में तलाक होता है तो वो तलाक एक उम्मत के फर्द के अंदर होता है, एक गांव वाले के अंदर, एक खानदान वाले के अंदर नहीं होता। अगर मुआशरे के अंदर एक शराब पीता है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो एक शराबी का घर है, बल्कि वो मुसलमानों में से शराब पीने वाला। इस्लाम का तसव्वुर इतना बड़ा है और इसी तसव्वुर को जहन में रखने की जरूरत है। अगर हम तंग नजरी रखेंगे, जैसे मगरबियों की तहजीब है कि हर कोई अपने घर में, बल्कि मगरबों के हाथ यहां है कि अगर पड़ोसी भी किसी पड़ोसी के घर बार बार जाए तो वो एक दूसरे पड़ोसी पर केस कर देते कि ये बार बार मेरे घर में आता है, मुझे परेशान करता है। इस्लाम तो ये नहीं कहता कि अगर कोई गलती कर रहा है तो उसे एक बार टोकिए, 10 बार टोकिए, उसे रोकते रहिए यहां तक वो गलती से बाज ना आए। पहला तरीका इख्तियार कीजिए, उसके बाद दूसरा तरीका, तीसरा तरीका, चौथा तरीका, हजारों तरीके इस्लाम ने बताए। हम किसी को छोड़ नहीं सकते क्योंकि ये कश्ती में हम सब सवार, एक कश्ती में हम सब सवार है। तो अब इससे आपको समझ में आएगा कि इस उन्वान को क्यों इख्तियार किया गया, गलतियों की इस्लाह का नबूवी तरीका इख्तियार क्यों किया गया, क्योंकि यह हमारी जिम्मेदारी है और इसी वजह से अल्लाह सुबहानहू व तआला ने हमें बनाया है। बिरादर इस्लाम, और एक बड़ी वजह यह है कि आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि किसी के मसले में ताक झाक नहीं करना चाहिए, कौन क्या कर रहा है, कौन पैंट ऊपर पहन रहा है, कौन नीचे पहन रहा है, कौन टोपी पहन रहा है, कोई नहीं कर रहा, कौन सूद खा रहा है, दूसरों के मसले में हमें क्या करना है। क्या हकीकत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को गौर नहीं करते थे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गौर करते थे, लोगों के उठने बैठने पर गौर करते थे, यहां तक कि अल्लाह के नबी नमाज पढ़ने की हालत में भी गौर करते थे। आपको पता है कि एक इंसान अमूमी तौर पर हम कितना देख सकते हैं, 180 डिग्री, इसे कहते हैं 180 डिग्री, हम इतना देख सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुअज्जिज़ा था कि आप 360 देख सकते थे। अल्लाह के नबी जिस तरह सामने देखते, अल्लाह के नबी पीछे भी देख सकते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा नमाजियों में देखा, अल्लाह के नबी ने कहा कि मैं बहुत से लोगों को देखता हूं कि वो अपने रुकू को सही नहीं करते, अपने सजदों को सही नहीं करते, या तुम अपने रुकू और सजदे को सही करो या अल्लाह के अजाब का इंतजार करो। अल्लाह के नबी ने कैसे देखा? क्योंकि अल्लाह के नबी का यह मुअज्जिज़ा था कि आप 360 डिग्री देख सकते थे, आपकी निगाहें सामने होती मगर पीछे की चीजें अल्लाह के नबी को नजर आती थी। तो अल्लाह के नबी गौर करते, नमाज की हालत में गौर करते, फला शख्स ने ऐसा किया, फला शख्स ने ऐसा किया, अल्लाह के नबी जायजा लिया करते थे। और यह जायजा लेना यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ये बात अलग है किसी के घर में दाखिल ना हो, किसी की बिल्कुल पर्सनल चीजों में ना दाखिल हो, लेकिन जिसका जब इंसान घर से बाहर निकलता है तो घर से बाहर निकलने के बाद आपकी कोई चीज पर्सनल नहीं होती, बल्कि आप मुसलमानों में से एक आम मुसलमान है, आपका हर मसला उसका ताल्लुक मुसलमानों से है और आपकी हर जिंदगी का हिस्सा उसका ताल्लुक किससे है? मुसलमानों से है। तो लिहाजा जब अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दावत का हुक्म दिया है तो आपको पता ही नहीं कि मुआशरे में कौन गलती कर रहा है। आज आप देखेंगे बहुत सारे लोग क्या है, न्यूट्रल जिंदगी गुजारना पसंद करते हैं, किसी से कोई मसला नहीं, हम अपने ठीक हैं, हम अपना घर जानते हैं, अपना कारोबार जानते हैं, उम्मत भाड़ में जाती है तो जाने दे, कौम के बच्चे पढ़ते हैं तो ना पढ़ने दें, वो सूद खाता है तो खाने दें। बहुत सारे लोग इस तरह की न्यूट्रल जिंदगी गुजारते हैं। इस्लाम में न्यूट्रल जिंदगी गुजारने का कोई तस्वीर नहीं, इस्लाम में न्यूट्रल जिंदगी गुजारने का कोई तस्वीर नहीं। अगर इस गांव के बच्चे हैं जो स्कूलों में पढ़ते हैं लेकिन कुरान नहीं पढ़ता है तो इसमें सारे गांव वाले इसके जिम्मेदार हैं। ये नहीं कि फला आदमी जिम्मेदार है, फला आदमी जिम्मेदार, क्योंकि हमने क्या कहा कि सब एक कश्ती में सवार हैं। कश्ती में कोई भी छेद करेगा नुकसान सबको पहुंचेगा। अगर किसी घर के बच्चे नमाज नहीं पढ़ते हैं तो आपको फर्क पड़ना चाहिए, चाहे वो आपके 10 गलियों के बाद का घर हो, चाहे वो आप उसे जानते हो, चाहे आप उसे ना जानते हो। लिहाजा हमारे सबके मसाइल एक है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इम्तियाज था कि अल्लाह के नबी देखा करते थे कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। ब्रदर अलैहिस्सलाम, इतनी बातें जब आप समझ गए तो आपको समझ में आया होगा कि गलतियों की इस्लाह करना क्यों जरूरी है। अगर आपसे कोई आइंदा ये सवाल करे कि गलती की इस्लाह क्यों करते हैं भाई, हाँ हम अपनी जमात में, हम अपने उलमा को सही कहते हैं, आप हमें क्यों समझाते हैं, तो ये दलीलें दें और कहें कि हम इसलिए समझाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को समझाया करते, अल्लाह ने हमें खैर उम्मत इसलिए बनाया है कि हम लोगों को समझाते हैं, ठीक है, और हमारे दीन का नाम यही है कि हम लोगों को समझाते हैं। चलिए उसके बाद थोड़ा प्रैक्टिकली गुफ्तगु करते हैं, प्रैक्टिकली इस अंदाज से कि जब सबसे पहली किताब हमारे क्या, कुरान करीम, हम कुरान करीम ही से हर चीजें अखज करते हैं। कुरान में देखें अल्लाह ताला ने गलतियों की इस्लाह की है। अल्लाह ताला ने कुरान में बहुत सारे लोगों की गलतियों को देखा तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले गलतियों की इस्लाह की। तो गलतियों की इस्लाह करना कहां से है? ये अल्लाह की जानिब से। अब अगर गलतियों की इस्लाह की बात करें तो सबसे पहले जिस शख्स की गलतियों की इस्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने की वो खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आज लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करते हैं, अगर हम कह दें कि अल्लाह के नबी से गलतियां हो गई तो लोग इतना जोश में आ जाते हैं कि आपने ऐसा कैसा कह दिया कि अल्लाह के नबी से गलतियां हो गई।
क्योंकि लोग अल्लाह के नबी को नूर समझते हैं, इंसान समझते ही नहीं। कुरान में अल्लाह कहता है कि ये नबी तो ऐसे हैं जो खाते और पीते हैं। उस वक्त के जो मुशरिक थे वो कहते थे कि ये कैसा नबी है जो हमारे तरह खाता है पीता है और जिसके बीवी बच्चे हो। अगर अल्लाह को नबी बनाना होता तो किसी फरिश्ते को अल्लाह भेज देता। तो उस वक्त के मुशरिक मानते थे कि आप इंसान थे, और आज करके नाम निहाद मुसलमान नहीं मानते कि अल्लाह के नबी इंसान थे, कहते हैं कि अल्लाह के नबी नूर थे, आपका साया नहीं था। अगर कोई इंसान ये कह दे कि अल्लाह के नबी से गलती हो गई है तो लोग कहते हैं कि मुसलमान ही कैसा हुआ, जबकि कुरान में खुद अल्लाह ने कहा है कि अल्लाह के नबी से गलती हुई। अल्लाह ताला ने आपको डांटा, अल्लाह ताला ने आपकी सलाह फरमाई। देखिए सूरह अबस आप में से अक्सर ने सुनी होगी, कुरान में अल्लाह फरमाता है कि अबस व तवल्ला अन जाअहुल अअमा, कि उस शख्स ने मुंह बनाया, उस शख्स ने मुंह बनाया चेहरे को फेरा कि उसके पास एक नाबीना शख्स आया। आपने किस्सा बारहा सुना होगा, हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आए। अल्लाह के नबी उस वक्त काफिरों के साथ, मुशरिकीन की एक मजलिस थी, अल्लाह के नबी उनके बीच में बैठे थे, कौम के बड़े बड़े सरदार थे काफिर थे, अल्लाह के नबी उनके बीच में बैठकर उन्हें समझा रहे थे, दीन इस्लाम की बात बता रहे थे। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम नाबीना थे, उन्होंने अल्लाह के नबी की आवाज को सुना तो मजलिस के करीब आकर कहते हैं अल्लिमनी मिम्मा अल्लमकल्ला, अरे अल्लाह के नबी अल्लाह ने आपको बहुत सारा इल्म दिया, थोड़ा मुझे भी दे दीजिए, थोड़ा मुझे भी सिखाइए। बड़े प्यारे अंदाज से गुफ्तगू किया, अल्लाह के नबी ने देखा चेहरा फेरा, अल्लाह के नबी ने देखा चेहरा फेरा, अब अल्लाह के नबी ने अवॉइड किया। फिर दोबारा उन्होंने सवाल किया, अल्लाह के नबी ने यही मामला किया। तीसरी मरतबा सवाल किया, अल्लाह के नबी ने यही मामला किया, तो अल्लाह ताला ने सातों आसमान से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डांटते हुए कहा कि आप उस इंसान के बारे में बताएं जिसने एक शख्स को देखा और चेहरा फेरा, जिन लोगों की मजलिस में आप बैठे हैं अल्लाह ने इनके बारे में फैसला कर दिया कि इनके अल्लाह ने इनके दिलों पर मोहर लगा दी, ये कभी मुसलमान नहीं होंगे। और एक मुसलमान जब आपके पास खैर मांगने आता है तो आप उससे चेहरा फेरते हैं। कितनी बड़ी डांट अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगाई। तो क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गलती नहीं थी? कुरान पढ़े, कुरान पढ़े, मोहब्बत हो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर मोहब्बत हो, ऐसी मोहब्बत ना हो जिसका ना सर हो ना पैर हो और इंसान अपने मनमर्जी कहे कि अल्लाह के नबी से गलती हुई तो कैसी हुई। और एक दूसरी गलती का जिक्र कुरान में अल्लाह ताला ने किया, कहा कुरान में अल्लाह फरमाता है कि मा कान लिन्नबी अन यकून लहु असरा हत्ता यफ्तिना फिल अर्ध, कि किसी नबी के लिए जायज नहीं है कि वह दुनिया का पैसा ले और पैसा लेकर उन लोगों को छोड़ दे जो अल्लाह उसके रसूल के दुश्मन है, यहां तक कि उनके खून को जमीन में ना मिला दे। ये वाकया कब का है? गज़वे बदर का वाकया है। गज़वे बदर हुई, मुसलमानों ने जंग जीत ली, सबसे पहली लड़ाई थी, मुसलमानों ने जंग जीत ली, 70 कैदी मुशरिकीन के पकड़े गए, 70 कैदी मुशरिकीन के पकड़े गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाया गया। उस वक्त कोई इस्लाम ने हुक्म नहीं बताया था कि कैदी पकड़ के आए तो क्या करना है, तो अल्लाह के नबी ने मशवरा किया सहाबा से। हजरत अबू बकर कहने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हमारे खानदान वाले, कौन है हमारे खानदान वाले, हमारे करीबी हैं, तो लिहाजा इन्हें छोड़ दिया जाए, इनसे जिजिया लेकर पैसा लेकर इनसे क्या है आप पैसा ले इनको छोड़ दें। अब उसके बाद हजरत उमर ने मशवरा दिया, कहा कि अल्लाह के नबी इनको ना छोड़े, ये लोग हमसे हाथ नहीं मिलाने बल्कि हमारे हाथ काटने आए थे, ये अल्लाह उसके रसूल को मिटाने के लिए आए थे, लिहाजा मैं तो कहता हूं कि जो जिसका रिश्तेदार है ले और एक दूसरे की गर्दन मार दे ताकि इनको भी पता चल जाए कि हम ऐसे लोगों के दोस्त नहीं है जो अल्लाह के दुश्मन है, जो अल्लाह के दुश्मन है वो हमारे दुश्मन है, चाहे वो हमारे बाप हो हमारे दादा हो। दो मशवरे अल्लाह के नबी के सामने आए, एक हजरत अबू बकर का मशवरा रहम वाला, हजरत उमर का मसला सख्त वाला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि नरम दिल इंसान थे और हजरत अबू बकर के मशवरे को अल्लाह के नबी ने ले लिया और उन लोगों से पैसा लेकर उन सबको छोड़ दिया। कुरान में अल्लाह ताला ने आयत नाजिल करते हुए फरमाया कि तुरीदून अर्द दुनिया वल्लाहु युरीदुल आखिरा, अल्लाह ताला ने हजरत उमर के फैसले को पसंद कहा और कहा कि हम आपके लिए आखिरत चाहते हैं और आप दुनिया का पैसा चाहते हैं, आप दुनिया की मालो दौलत चाहते हैं। दूसरे दिन जब सुबह हुई हजरत उमर अल्लाह के नबी के पास आए तो क्या देखते हैं कि अल्लाह के नबी सर झुकाकर रो रहे, हजरत उमर हजरत अबू बकर सर झुकाकर रो रहे, तो हजरत उमर परेशान हो गए कि हुआ क्या है। जैसे ही करीब गए तो अल्लाह के नबी ने यही आयत पढ़कर सुनाते हुए कहा कि अल्लाह ताला कहता है कि ये दुरुस्त नहीं है किसी नबी के लिए या मोमिनों के लिए कि लोग पैसा लें और लोगों को छोड़ दें क्योंकि ये अल्लाह उसके रसूल के दुश्मन हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत उमर की बात को पसंद फरमाया। तो यहां पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गलती हुई और अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गलती की इस्लाह फरमाई। दूसरी अल्लाह ताला ने खुद सहाबा की बहुत सारी गलतियों की इस्लाह फरमाई है। किसने की है? अल्लाह तबारक तआला ने बहुत सारे सहाबा की गलतियों की सलाह फरमाई क्योंकि सहाबा भी इंसान थे, जिस तरह अल्लाह के नबी इंसान थे सहाबा भी इंसान थे, सहाबा से भी बहुत सारी गलतियां भी। मिसाल के तौर पर सूरह
हुजरात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ौ अस्वातकुम फौक़ सौतिन नबी। अल्लाह ताला कहता है कि ईमान वालों, तुम नबी की आवाज पर अपनी आवाज को बुलंद ना करो। अगर नबी कुछ कह रहे हैं तो अपनी आवाज को नबी की आवाज से बुलंद ना करो, ऐसा ना हो कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे ईमान को खत्म कर दे। तो सहाबा इकराम जब गुफ्तगू करते और जब गुफ्तगू करते अल्लाह के नबी जो भी कहते अल्लाह की जानिब से होता, अल्लाह सुभान व तआला की जानिब से होता, तो अल्लाह ताला ने डांटा सहाबा से, कहा कि नबी की आवाज से ज्यादा अपने आवाज को बुलंद ना करो। और इसी वजह से उलमा कहते हैं कि जब कुरान की तिलावत की जाए तो सब लोगों को खामोशी इख्तियार किया जा करना चाहिए। अभी हाफिज साहब ने आकर कुरान की कुछ आयतें तिलावत की, बहुत सारे लोगों को देखा जाता है जब कुरान पढ़ा जाता है तो आपस में गुफ्तगू करते हैं, इधर उधर मसरूफ होते हैं। माजरत के साथ, ये कुरान का अदब नहीं है। कुरान का अदब यह है कि जब कुरान पढ़ा जाए सब छोड़िए और खामोशी से कुरान को सुनिए। कुरान में अल्लाह क्या कहता है, इदा कुरी अल कुरान फस्तमिउ लहू व अनसितु। जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोश रहो और गौर से कुरान को सुनो। क्या कहता है अल्लाह, खामोश रहो, कुरान को गौर से सुनो। फोन करो, फोन काट दें। कुरान का अदब है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोशी से सुना जाए। कुरान पढ़ा जाता है, बहुत सारे लोग अपने कामों में मशगूल होते हैं, माजरत के साथ ये कुरान के साथ बेअदबी है। बल्कि अल्लाह ताला कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान अल्लाह उसके रसूल की बात कहते हैं उस बात पर अपनी आवाज को बुलंद करना ये बेअदबी है। तो ये कहां से अदब हुई कि कुरान आपके सामने तिलावत किया जाए, हर इंसान अपने अपने मशगूले में मशगूल हो जाए। तो लिहाजा इसका ख्याल इंसान को करना चाहिए। एक और एक बड़ी गलती जो सहाबा से हुई थी, अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा की गलती का जिक्र किया। जुमा का दिन था, अल्लाह के नबी मिंबर पर खड़े होकर लोगों को नसीहत कर रहे हैं, खुतबा दे रहे हैं। अचानक एक तिजारत का काफिला आया, सहाबा में से कुछ सहाबा नए नए मुसलमान थे, तिजारत के काफिले को देखा, मस्जिद से निकलने लगे और वो तिजारत के काफिले की तरफ जाने लगे। अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा की इस गलती को जिक्र करते हुए फरमाया कि वह इज़ा रअउ तिजारतन अव लहवन फज़ु इलैहा व तरकूका क़ाइमा कुल मा इंदल्लाहि खैरुम मिन अल्लहवि व मिन अत्तिजारा। कि जब ये किसी तिजारत के सामान को देखते हैं तो आपको खड़ा हुआ छोड़ देते हैं, आप खड़े हैं आपको छोड़कर उस तरफ चले जाते हैं। तो लिहाजा आप सहाबा से कहिए कि जो अल्लाह तुम्हारे लिए चाहता है वो इस तिजारत से, इस सामान से लाख दर्जा तुम्हारे लिए बेहतर है। तो लिहाजा अल्लाह उसके रसूल की तरफ आओ। तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले किसी गलती की सलाह की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गलती की सलाह की। अल्लाह ताला ने किसकी गलती की सलाह की, सहाबा की गलतियों की सलाह फरमाई है। तो लिहाजा गलती की इसलाह करना ये अल्लाह का तरीका है और खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। और इसी तरीके को अगर हम भी लेकर चलते हैं तो कोई गलत काम नहीं करते, बल्कि हमें से हर शख्स को ऐसा करना चाहिए। अब एक मिसाल, अब जो उन्वान आपके सामने बताया गया कि गलतियों की इसलाह का नबूवी तरीका, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह करते थे उस तरह करना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि मुआशरे के अंदर बहुत सारे लोग हैं। मिसाल के तौर पर एक नौजवान आदमी, एक बूढ़ा आदमी है, एक तरफ एक औरत है, एक तरफ एक बच्ची है, ठीक है। छोटा बच्चा हो सकता है, बड़ा बच्चा हो सकता है, छोटी बच्ची हो सकती है, बड़ी बच्ची हो सकती है, और एक नौजवान हो सकता है, बुजुर्ग खातून हो सकता है। ये जो इंसानों के अलग अलग टाइप हैं, सबके लिए एक लकड़ी काम नहीं आती है, सबके लिए एक तरीका काम नहीं आता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब सीरत पढ़ते हैं तो पता चलता है कि जब अल्लाह के नबी बच्चों की इस्लाह करते तो अल्लाह के नबी बच्चे बन जाते थे, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बूढ़ों की इस्लाह करते तो अल्लाह के नबी उनके अदब का ख्याल करके उनकी इस्लाह करते। नौजवानों को देखते, जो नौजवान जिनके अंदर गैज़ व गज़ब होता है, अल्लाह के नबी उनकी जवानी का, उनके गुस्से का ख्याल करके उनकी इस्लाह करते। बूढ़ी औरतों को अल्लाह के नबी इस्लाह करते, बुजुर्गों के अल्लाह के नबी इस्लाह करते। तो इस्लाह का तरीका अलग अलग होता। तो आज हम देखते हैं कि जब लोग गलतियों की इस्लाह करने को चाहते हैं तो सबको एक ही लकड़ी से हाँकते हैं, जैसे कि बकरियां होती हैं, सारी बकरियां एक जैसी हैं। इस्लाम के अंदर ऐसा नहीं है। तो लिहाजा बूढ़ों का ख्याल, उनका इज्जत करके, उनका एहतराम करके उन्हें नसीहत की जाए, बच्चों से उसी तरह नसीहत की जाए जैसे अल्लाह के नबी करते थे। और जो नौजवान जिनके पास जोश होता है, जज्बा होता है और बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, बस औकात एक इंसान जानबूझकर गलती करता है उसके साथ डील अलग तरीके से की जाती है, एक इंसान जानबूझकर पता होने के बाद गलती करता है उसके साथ अलग से डील की जाती है। एक छोटी हदीस बनाकर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूं कि ये खेत है, बाजू वाला खेत है, एक आदमी आया खेत में घुस गया और अचानक खेत में से कोई चीज निकालकर खाने लगा, तो आप क्या कहेंगे, उसे कैसी गलती मानने वाला कहेंगे, उसने जानबूझकर किया या गलती से किया? तो आप में से अक्सर कहेंगे जानबूझ के आया है, किसी और का खेत था, पता था किसी और का खेत है, रास्ते से गुजर रहा था, क्या जरूरत थी कि खेत में उतर गया और किसी और का खेत खाया। जाहिरी तौर पर यही नजर आता है, लेकिन कुरान और हदीस में लोगों की फीलिंग का भी ख्याल किया जाता है, लोगों की फीलिंग का, उनका इंटेंस का, किस इंटेंसिटी से इसने काम किया। एक हदीस है, गौर से सुने, हजरत अब्बाद बिन शरहबील रजी अल्लाह अन्हु हिजरत करके आए, हजरत अब्बाद बिन शरहबील हिजरत करके आए। जैसे ही मदीना पहुंचे तो जानते हैं कि मक्का और मदीना 400 किलोमीटर से ज्यादा का फासला है, लंबा सफर करके
کے آئے تھے, بھوک اپنی شدت پر تھی, راستے میں کچھ کھانے کے لیے نہیں ملا. جیسے ہی مدینہ میں داخل ہوئے تو ایک جنگل کو دیکھا, ایک کھیت کو دیکھا, فوراً گھوڑے سے گدے سے اترے, کھیت میں گھس گئے اور جو سامنے نظر آیا کھانے لگے اور اپنے کپڑے میں باندھنے لگے. کیا کرنے لگے؟ اٹھا کر کھانے لگے, اپنے کپڑے میں باندھنے لگے. اب جیسے ہی اس مکان کے مالک نے, اس دکان کے یعنی جو کھیت کا مالک تھا, اس نے دیکھا تو حضرت عباد بن شہبیل کو ڈانٹا اور ان کے پاس جو کپڑا تھا اسے کھینچ کے لے لیا جس میں انہوں نے سامان بھرا تھا. اب وہ سیدھے اللہ کے نبی کے پاس گئے. کون گئے؟ غلطی کرنے والے حضرت عباد بن شرحبیل گئے اور جا کر کہنے لگے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں فلاں فلاں کے کھیت میں گھس گیا, انہوں نے مجھے ڈانٹا اور میرا کپڑا بھی چھین لیا. اب ظاہری طور پر کیا لگتا ہے کہ اللہ کے نبی کسے ڈانٹنا چاہیے؟ غلطی کرنے والے کو یا جس کے مسئلے میں غلطی کی ہے اسے ڈانٹنا چاہیے؟ اللہ کے نبی اس انصاری صحابی کو بلایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پوزیشن دیکھی اور کہا, کیا تم کو نہیں سمجھ میں آتا کہ انسان غلطی سے غلطی کر رہا ہے؟ اسے نہیں پتا تھا کہ کسی کا مال کھانا چاہیے, تو کیا تم نے اسے نصیحت کی؟ نصیحت نہیں کی. اور دوسری چیز, کیا تم کو نہیں پتا, اس کی حالت دیکھ کر سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ بھوکا تھا تو اس کا حق تھا کہ تم اسے خود سے کھلاتے, لہذا تم نے اسے یا تو علم بھی نہیں دیا اور اسے کھانا بھی نہیں کھلایا, اور تمہاری بڑی غلطی یہ کہ تم نے اسے ڈانٹا اور اس کا کپڑا بھی چھین لیا. اللہ کے نبی نے کہا, اس کا کپڑا واپس کرو, جو اس نے لیا تھا اسے واپس کرو. اب اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ غلطیوں کی اصلاح کا طریقہ ضروری ہے, سامنے والے کی کنڈیشن دیکھ کر کیا جائے گا. اگر انسان جان بوجھ کر غلطی کرتا ہے تو اس کے ساتھ الگ سلوک کیا جائے گا, اگر کوئی انسان مجبوری میں غلطی کرتا ہے تو اس کے ساتھ الگ تعامل کیا جائے گا. اسی لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں کہ اللہ کے نبی کیسے کیسے لوگوں کی غلطیوں کی اصلاح کرتے تھے. سب سے پہلے غلطیوں کی اصلاح اللہ کے نبی نے دو طریقے سے کی. آج صرف ایک طریقے پر ذکر کروں گا کیونکہ اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ساری باتیں ایک طور پر ذکر کی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا تو اپنی زبان سے غلطیوں کی اصلاح کرتے یا تو اپنے کردار سے, اپنے ہاتھ اور پیر سے غلطی کی اصلاح کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زبان سے غلطیوں کی اصلاح کی ہے ان میں سے چند غلطیوں کی اصلاح کو آپ کے سامنے ذکر کروں گا. باقی بہت ساری باتیں رہتی ہیں, ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے پھر کبھی توفیق دی تو اس کو بھی ذکر کیا جائے گا. جہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے جو صحابہ کی غلطیوں کی اصلاح کی ہے اس میں سب سے پہلا طریقہ, سب سے پہلا میتھڈ جو اللہ کے نبی نے استعمال کیا وہ غلطی پر تھا. وہ کیا تھا کہ ایک انسان نے غلطی کی ہے اور ایک انسان سے غلطی ہوئی ہے, یہ انسان ہے یا اس کی غلطی ہے. اللہ کے نبی ہمیشہ غلطی پر فوکس کرتے تھے نہ کہ غلطی کرنے والے پر فوکس کرتے تھے. بات کو سمجھیں کہ ایک انسان ہے, اس سے غلطی ہوئی ہے, تو اللہ کے نبی فوکس کس پر کرتے ہیں؟ غلطی پر کرتے کہ تم نے ایسا کیوں کیا. اللہ کے نبی یہ نہیں پوچھتے کہ تم نے ایسا کیوں کیا, یعنی تم سے یہ غلطی کیسے ہوئی, یہ غلطی اتنی خطرناک ہے, یہ تم سے نہیں ہونی چاہیے تھی. اللہ کے نبی غلطی کرنے والے کو ڈانٹنے سے زیادہ اس غلطی پر فوکس کرتے تھے اور نصیحت کرتے تھے کہ تمہیں ایسی غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی. مثالیں دیکھیے, مثال کے طور پر ایک صحابی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ, اس حدیث و ان مثال میں کیا دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی نے غلطی کرنے والے سے زیادہ غلطی پر فوکس کیا کہ جو غلطی ہوئی ہے تم سے بڑی ہوئی ہے. لہذا اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ غلطی کتنی بڑی ہے, یہ نہیں فرق پڑتا کہ یہ کرنے والا کون ہے, یہ فرق نہیں پڑتا کرنے والا کون ہے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کا ذمہ دار بنا کر بھیجا اور کہا کہ جاؤ فلا فلا جگہ پر آپ چلے جاؤ, وہاں پر کچھ لوگ ہیں, اسے ڈیل کرو, یا تو انہیں اسلام کی طرف دعوت دو, یا تو اسے جزیہ مانگو, یا تو لڑائی مانگو. تو لہٰذا صحابہ گئے اور لڑائی ہو گئی, صحابہ گئے لڑائی ہوگی. اب لڑائی کی حالت میں دیکھیں کہ حضرت اسامہ بن زید ایک آدمی کو دیکھ رہے ہیں, ایک نوجوان جو دبلا پتلا ہے, اس کے پاس ایک چھوٹا سا خنجر ہے. وہ کیا کرتا ہے, بڑی چستی اور چابندی سے ادھر مسلمانوں کے صف میں گھستا ہے, اسے خنجر چباتا, اسے خنجر چباتا اور بھاگ جا رہا ہے, بہت سارے مسلمانوں کو زخمی کیا. حضرت اسامہ نے دیکھا کہ اس کو پہلے نپٹانا ضروری ہے, تو فوراً اس آدمی کی طرف لپکے, تو ایک انصاری صحابی نے بھی اس کو کب سے دیکھا تھا, دونوں مل کے لپک گئے. اب دو ایک کے پیچھے پڑ گئے, اب وہ سمجھ گیا کہ اب تک تو لڑ رہے تھے, اب یہ دو میرے پیچھے پڑ گئے, لہذا ادھر بھاگ رہا ہے ادھر بھاگ رہا ہے. بھاگتے بھاگتے ایک درخت کے پیچھے چلا گیا. اب ادھر سے حضرت اسامہ ادھر سے انصاری صحابی کو آتے دیکھا, اپنے سامنے موت کو دیکھا, تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس نے کہہ دیا. انصاری صحابی نے تلوار اٹھائی روک لیا, مگر حضرت اسامہ نے تلوار چلا دی. ڈھیر ہو گیا, ڈھیر ہونے کے بعد معاملہ ختم. اب دونوں شک میں ہیں کہ اب ہم نے غلطی کی ہے اصلاح کی نہیں پتا, لہذا انصاری صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا, اے اللہ کے نبی ایسا ایسا ہوا. اللہ کے نبی سے کیا کہتے ہیں, اے اللہ کے نبی ایسا ایسا ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ کی طرف دیکھ رہے ہیں, حضرت اسامہ سے کہتے ہیں اقتلتہ بعد ان قال لا الہ الا اللہ, اے اسامہ تم نے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اسے قتل کیا. اللہ کے نبی یہ نہیں کہہ رہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا, بلکہ اللہ کے نبی غلطی پر فوکس کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جو غلطی تم نے کی ہے یہ پہلے سمجھ لو کہ کتنی بڑی غلطی ہے, بعد میں یہ کہ تم کون ہو تم کو ڈانٹو. اللہ کے نبی کہتے ہیں اقتلتہ بعد ان قال لا الہ الا اللہ, اے اسامہ اس نے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد آپ نے اسے مارا. تو کہنے لگے اے اللہ کے نبی اس نے تو تلوار کی
سے کہا تھا. اللہ کے نبی کا غصہ پھوٹ پڑا. اللہ کے نبی نے کہا سینہ چاک کر کے کیوں نہیں دیکھا کہ اس نے غلطی سے کہا تھا یا اللہ کو مانتے ہوئے کہا تھا؟ اس نے تلوار کے ڈر سے کیا تو تھا ایسے کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مارے غصے کے کہنے لگے اے اسامہ اس دن کیا کرو گے جب یہ انسان اللہ کے سامنے لا الہ الا اللہ کا کلمہ لے کر آئے گا. لا الہ کا کلمہ اللہ کے سامنے لے کر آئے اور کہے کہ اللہ میں نے تو تیرا کلمہ پڑھا تھا اس نے مجھے مار دیا, اس دن تم کیا کرو گے؟ اس حدیث پر غور کریں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلطی پر فوکس کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہ غلطی تم نے کی, پہلے خود سمجھ لو کہ کتنی بڑی غلطی تھی. اللہ کے نبی نے اسامہ کو نہیں ڈانٹا بلکہ غلطی پر فوکس کیا. یہ غلطی کا اصلاح کا سب سے بہترین طریقہ ہے. کسی سے غلطی ہو جاتی ہے, آج ہمارا حال یہ ہوتا ہے کوئی غلطی کرتا سب سے پہلے اسے ڈانٹنے لگتے ہیں, تم کو پتا نہیں تھا, تم کو ایسا نہیں تھا, تم کو ویسا نہیں تھا. اصلاح نہیں سوچتے کہ اس کی اصلاح کیسی کی جائے. ہم غلطی کرنے والے کو ڈانٹنے میں زیادہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں نہ کہ غلطی کی جرم کو بتانے میں. سود انسان کھاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں سود کھاتا ہے, فلاں سود کھاتا ہے. کتنے لوگ ہیں جا کر ایک سودی انسان سے کہتے ہیں کہ سود کھانا اتنا بڑا جرم ہے, اتنا بڑا جرم ہے. اسے ڈانٹے بغیر سود کی حرمت کو سامنے بتائیے اور کہیے کہ سود کتنا بڑا گناہ ہے. یہ اسلام کا طریقہ تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی غلطیوں کی اصلاح کرتے تھے. حضرت خالد بن ولید کی حدیث بڑی مشہور ہے. حضرت خالد بن ولید کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا. اللہ کے نبی نے بھیجا, کہا کہ جاؤ فلاں فلاں قوم والے مسلمان ہونا چاہتے ہیں, جاؤ ان سے ڈیل کر کے آؤ. حضرت خالد گئے, گھوڑے پر سوار تھے, تلواروں کو لٹکائے ہوئے تھے. تو یہ سامنے والے تھے, جو سامنے والے تھے انہیں نہیں پتا تھا کہ مسلمان ہونے کے لیے کیا کہنا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ جملہ کہنا انہیں نہیں معلوم تھا. تو انہوں نے کیا کہا؟ سبعنا سبعنا. انہوں نے کہا کہ ہم بے دین ہو گئے, بے دین ہو گئے. تو لہذا جو کافر تھے جب کوئی مسلمان اسلام لے آتا تو یہ کافر مسلمانوں کو کہتے کہ تم بے دین ہو گئے. تو لہذا انہوں نے جو مسلمان ہونے والے تھے انہوں نے سمجھا کہ ہم کفر سے اسلام کی طرف آ رہے ہیں تو ہم بھی یہی کہیں گے. تو انہوں نے کہا سبعنا سبعنا کہ ہم بے دین ہو گئے, بے دین ہو گئے. حضرت خالد سمجھ بیٹھے یہ تو مسلمان ہونے والے تھے پھر بے دین کیسے ہو گئے. لہذا حکم دیا کہ سب کو قتل کر ڈالو. سب کو قتل کر دیا گیا, کچھ لوگوں کو بچا دیا گیا. صحابہ کہنے لگے یہ تو مسلمان ہونے کے لیے تو کلمہ پڑھ رہے ہیں. تو کہیں حضرت خالد تو کہتے ہیں یہ تو بے دین ہو رہے کہہ رہے ہیں. بعض صحابہ نے بعض کو قتل کر دیا اور آدھوں کو روک دیا, آدھے پہ ہاتھ روک دیا گیا. سیدھا فیصلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فیصلہ لایا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی کے ہوش اڑ گئے. یہ ہوا کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے اللہ جو خالد نے کیا ہے, جو ان کے ساتھیوں نے کیا ہے, اے اللہ اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے. اے اللہ میں اس گناہ سے پاک ہوں, اے اللہ میں اس گناہ سے پاک ہوں. اللہ کے نبی اپنی برات کا اظہار کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ تم نے جو غلطی کی ہے پہلے سمجھ لو کہ کتنی بڑی غلطی ہے. تو حضرت خالد کہنے لگے اے اللہ کے نبی نے ایسا کہا. اللہ کے نبی نے ایک بات نہ سنی, اللہ کے نبی بار بار اسی بات کو دہراتے رہے اللہم انی ابرا الیک مما صنع خالد. اے اللہ جو خالد نے غلطی کی ہے, اے اللہ اس غلطی سے میں پاک ہوں, اے اللہ اس غلطی سے میں پاک ہوں. تو آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطیوں کے اصلاح کا طریقہ کیسا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلطیوں پر فوکس کرنا زیادہ پسند کرتے تھے. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے ہی کہتا ہے فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ کہ اگر آپ کسی کو بتا دیں اور بتا دینے کے بعد وہ جان بوجھ کر غلطی کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنے ہاتھ اٹھا کر کہیے کہ میں اس غلطی سے پاک ہوں, میں ان سے دور ہوں, میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن ایسا نہ ہو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کو دیکھا, حضرت خالد سے بڑی غلطی ہوئی, تو کیا اللہ کے نبی نے اس چیز کو اپنے دل میں رکھا کہ اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ خالد نے بہت بڑی غلطی کی ہے, اتنے مسلمانوں کو قتل کیا ہے, لہذا نیکسٹ ٹائم میں خالد سے کوئی کام نہیں لوں گا. جیسے ہم کرتے ہیں کسی سے کوئی بڑی غلطی ہو جائے تو اسے پرماننٹلی کیا اپنے معاشرے سے نکال دیتے. یہ دیکھیے کہ حضرت خالد سے اتنی بڑی غلطی ضرور ہوئی لیکن اس کے بعد بھی اللہ کے نبی نے بہت ساری جنگوں میں ان کو سردار بنایا تھا. جیسے حنین کے موقع پر اللہ کے نبی نے خالد بن ولید کو ذمہ دار بنایا, اور اسی طرح جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے تو حضرت ابو بکر بھی حضرت خالد ہی کو آگے رکھا کرتے تھے. ایک غلطی کی وجہ سے کسی کے سارے احسانات کو فراموش نہیں کیا جاتا, یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے باہر سے گزر رہے تھے, آپ نے ایک شخص کی آواز کو سنا. وہ شخص کیا اپنے لونڈی کو مار رہا تھا, وہ شخص اپنے لونڈی کو مار رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنے اور رک گئے اور اللہ کے نبی بلند آواز سے کہنے لگے اعلم یا ابا مسعود, اعلم یا ابا مسعود. وہ حضرت عبداللہ بن مسعود تھے جو اپنی لونڈی کو مار رہے تھے. تو جیسے ہی پیچھے سے آواز سنی کہ کوئی شخص مجھے پکار رہا ہے, کوئی شخص مجھے ڈرا رہا ہے, پلٹ کر دیکھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو اللہ کے نبی حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہتے ہیں اے عبداللہ جتنی طاقت تم اس لونڈی پر, جتنی طاقت تم اپنی اس نوکرانی پر رکھتے ہو, اس سے زیادہ طاقت اللہ تم پر رکھتا ہے. اگر تم اس پر ظلم کرو گے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی ذات تم سے زیادہ طاقت رکھتی ہے. تو یہاں دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کو زیادہ فوکس کیا اور گناہ کے بارے میں بتایا کہ انسان سے گناہ ہو جائے تو کتنا بڑا گناہ ہو جائے. ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, صحابہ کی ایک بڑی جماعت کا ہے,
सफर में थे, तो लिहाजा जैसे ही नमाज का वक्त हुआ तो बहुत सारे सहाबा का जल्दी जल्दी वजू करके आने लगे, यहां तक कि बाज लोगों की जो एड़ियां हैं वो चमक रही थी, एड़ियों तक पानी नहीं पहुंचा था। अल्लाह के नबी देख रहे हैं कि ये कौन कौन कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वैलुल अकाबी मिनन नार, अल्लाह के नबी कहते हैं कि वो लोग जिनकी एड़ियों तक पानी नहीं पहुंचा है जहन्नम की आग वहां पहुंच जाएगी, जहन्नम की आग वहां पहुंच जाएगी। ना अल्लाह के नबी ने किसी का नाम लिया, ना अल्लाह के नबी ने किसी को डांटा, बल्कि अल्लाह के नबी ने गलती पर फोकस करते हुए कहा कि जो लोग ऐसी गलती करेंगे उनके लिए सजा है। बल्कि एक हदीस के अंदर और आता है कि एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में एक औरत मजलिस में आई, उसके पास दो छोटी छोटी बच्चियां थी जिसके हाथ में कंगन थे, सोने के कंगन उसने अपनी बच्चियों को पहनाया था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने के कंगन को देखा और सवाल किया, क्या तुम इनकी ज़कात अदा करती हो? अल्लाह के नबी ने औरत से सवाल किया, तुम इसकी ज़कात अदा करती हो? तो कहने लगी नहीं। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, क्या तुमको इस बात से खुशी होगी कि अल्लाह इन्हीं मासूम हाथों में कयामत के दिन आग की बेड़ियां पहनाए, क्या तुमको पसंद होगा? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही ये बात कही उस खातून ने फौरन उन जेवरों को निकाला और फेंक दिया और कहा कि अल्लाह के नबी आज से कभी भी इस तरह के जेवर मैं अपने बच्चों को नहीं पहनाऊंगी, अगर पहनाऊंगी तो इसकी जकात अदा करूंगी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामला होता। तो गलती की इस्लाह का पहला तरीका यह है कि आप गलती पर फोकस करें, गलती पर आप अपनी तरकीज लगाएं और गलती के बारे में सोचें, ना कि गलती करने वाले के बारे में। दूसरा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गलती की इस्लाह का तरीका था कि अल्लाह के नबी कभी भी लोगों को टारगेट नहीं करते थे, कभी भी अल्लाह के नबी नाम लेकर इस्लाह नहीं करते थे। मिसाल के तौर पर किसी से गलती हो जाए और हम ये कहें कि फलाह साहब ने ऐसा किया है, फलाह साहब ने ऐसा किया है, अल्लाह के नबी को पता चलता, अल्लाह के नबी कभी किसी की शख्सियत को एक्सपोज नहीं करते, आपको पता था कि किसने गलती की है, अल्लाह के नबी कभी नाम नहीं लेते थे, और ये इस्लाह का सबसे बेहतरीन तरीका है। आपको पता है कि आपका भाई सगा भाई है सूद खाता है, आपको पता है कि आपके चचा ऐसा करते हैं, आपके दादा ऐसा करते हैं, जरूरी नहीं कि नाम लें, बल्कि जब मजलिस में बैठ जाए तो लोग कहें कि लोग ऐसा करते हैं, लोग ऐसा करते हैं, बगैर किसी को पॉइंट आउट किए हुए। हो सकता है कि किसी की जानिब आप निशानदेही करें, उसके दिल के अंदर बात बुरी लग जाए और वो इंसान बात को मानने के बजाय अपनी बात पढ़ रहे। यही मर्तबा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही किया करते। हदीस बड़ी मशहूर है, ये एक सहाबी थे जिनका नाम था इब्नुल लुतैबिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ज़कात का पैसा लाने का जिम्मेदार बनाया और कहा कि ये ले जाओ, ये ज़कात का पैसा है। अल्लाह के नबी ने उन्हें कहा कि फला फला कौम के पास जाओ, वहां से ज़कात के पैसे इकट्ठा करके ले आओ। तो लिहाजा वो सहाबी गए और ज़कात का पैसा इकट्ठा इधर से उधर से करके ले आए। लेकिन जब वो ज़कात वसूल करने के लिए गए तो एक इंसान ने देखा कि एक बेचारे सहाबी हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो कहा कि ये ज़कात का पैसा है और ये मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। क्या कहने लगे कि ये ज़कात का पैसा है, ये मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है, आप ले जाइए। लिहाजा वो सहाबी आए, आकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो ज़कात का माल इकट्ठा किया था कहा था अल्लाह के नबी ये ज़कात का माल है और ये मुझे गिफ्ट दिया गया। क्या कहा कि ये मुझे गिफ्ट दिया गया। अल्लाह के नबी का चेहरा बदल गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा बदल गया। दूसरे दिन जुमा था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा में खड़े हुए। बाज़ रिवायतों के मुताबिक आता है कि जब सहाबा नमाज के लिए इकट्ठा हो गए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए और कहने लगे कि मा बाल अक़वामिन यक़ूलूना कज़ा व कज़ा, लोगों को क्या हो गया है कि हम ज़कात इकट्ठा करने के लिए कुछ लोगों को भेजते हैं तो लोग कहते हैं कि ये ज़कात का पैसा, ये मुझे गिफ्ट दिया गया। अल्लाह के नबी कहते हैं ये ज़कात का पैसा, ये मुझे गिफ्ट दिया गया। जो शख्स ऐसा कहता है वो अपने माँ बाप के घर में बैठे और देखे क्या घर में बैठने के बाद उसे गिफ्ट मिलता है कि नहीं मिलता है। आप गए अल्लाह उसके रसूल के लिए तो जो भी आपको मिला है सब अल्लाह उसके रसूल का है, ये अपना और तुम्हारा नहीं होता है। तो लिहाजा अल्लाह के नबी ने उनका नाम लिए बगैर सबको डांटा और सबके सामने नसीहत करते हुए कहा कि इस तरह करना नहीं चाहिए। अगर आप अल्लाह उसके रसूल के लिए काम के लिए गए हैं, जो ज़कात में मिले आपको गिफ्ट मिले वो सब अल्लाह उसके रसूल का है। अगर कोई आप अपने घर में बैठे तो क्या कोई घर में बैठने के बाद आपको लाकर गिफ्ट देगा? नहीं देगा। अगर आप गए हैं तो आपका जाना सिर्फ अल्लाह के लिए हो तो लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम लिए बगैर सबकी इस्लाह फरमाई और यही वजह थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये बेहतरीन तरीका था कि अल्लाह के नबी कभी किसी का नाम नहीं लेते थे। तीसरा तरीका कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा किसी की सोच को बदलने की कोशिश करते। आप जानते हैं कि बहुत सारे लोगों की सोच अलग होती है, हर किसी की थिंकिंग या लाइफस्टाइल अलग होता है। जैसे मुआशरे में आप रहेंगे, मिसाल के तौर पर पैसे वाले लोगों के बीच में रहें हमेशा पैसे पैसे की बातें हो रहेंगी, गरीबों के बीच में रहें हमेशा मजबूरियां होंगी, या इसी तरह पढ़ने वालों के बीच में रहें उनका जहन हमेशा पढ़ने वालों की तरह होगा। तो हर इंसान का थॉट जो है, हर इंसान का तसव्वुर अलग होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा तसव्वुर को बदलने की कोशिश करते थे, किसी की थिंकिंग को चेंज करने की कोशिश करते थे। और यह तरबियत का एक बेहतरीन नमूना है कि अगर किसी इंसान की सोच ही बिगड़ी हुई हो तो उसको सोच को सही करें, ना कि उस इंसान को डांटे, ना कि उसकी गलतियों को पॉइंट आउट करें। मिसाल के तौर पर देखिए, बहुत सारी मिसालें हैं।
दो चीजें, या तो किसी का सलूक जिंदगी जीने का तरीका गलत हो सकता है, या तो किसी की थिंकिंग गलत हो सकती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों चीजों की इस्लाह फरमाया। एक हदीस आज के दौर में यह हदीस बड़ी फिट आती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा सहाबा की मजलिस में बैठे हुए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा, तो जो लोग मजलिस में बैठे हुए थे अल्लाह के नबी उनसे पूछने लगे कि इस इंसान के बारे में आपका क्या कहना है। तो वो इंसान क्या है, सहाबी थे, बड़े मामूली कपड़े पहने हुए थे, पैर में कुछ पहना नहीं था, फटे पुराने कपड़े पहने थे, जा रहे थे। तो अल्लाह के नबी ने सहाबा से पूछा इनके बारे में आपका क्या कहना है। तो सहाबा में से बाज ने कहा, अल्लाह के नबी गरीब मुसलमानों में से एक मुसलमान है, हाल ये है इनकी पोजीशन मुआशरे में ये है कि अगर किसी घर में रिश्ता दें तो हो सकता है कि रिश्ता कबूल ना किया जाए, अगर किसी के मसले में सिफारिश करे तो हो सकता है कि सिफारिश को कबूल ना किया जाए, ये ऐसे मामूली इंसान है। अल्लाह के नबी खामोश रहे। कुछ देर गुजरी, एक घोड़े पर से इंसान गुजरा जिसने बड़ा अच्छा लिबास पहना हुआ था। अल्लाह के नबी ने सेम सवाल दोहराया, कहा इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है। तो सहाबा कहने लगे, अल्लाह के नबी कौम का सरदार है, इसका हाल यह है कि जिस घर की तरफ इशारा कर दे कोई बेटी को रोके ना, बेटी को फौरन दे दे, और जिसके मसले में सिफारिश कर दे इसकी सिफारिश को फौरन कबूल किया जाए। अब आप देख रहे हैं दो तरह की थिंकिंग, कि गरीब इंसान है तो कमजोरी होगा, मालदार है तो अच्छा ही होगा। यह सहाबा की थिंकिंग थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी सोच को बदलते कहा कि जितना फर्क इन दोनों में जिक्र किया है, खुदा की कसम अल्लाह तबारक तआला के नजदीक को पहला मुसलमान उतना ही महबूब है जितना ये आसमान और जमीन बड़ा है। यह आसमान और जमीन जितनी बड़ी है उतना ज्यादा वो गरीब इंसान अल्लाह को प्यारा है बनिस्बत उस इंसान के जिसे तुम माल दौलत की वजह से बेहतर समझते हो। तो सहाबा की सोच ऐसी थी कि अच्छा कपड़ा पहनने वाला, घोड़े पर चलने वाला, टिप टॉप रहने वाला मुआशरे का सबसे मुआज्जज शख्स है और गरीब इंसान सबसे कमजोर इंसान है। अल्लाह के नबी ने उनकी थिंकिंग को बदलते कहा कि अल्लाह को फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह को फर्क नहीं पड़ता कि आपका लिबास कितना अच्छा है, अल्लाह को फर्क नहीं पड़ता कि आपकी गाड़ी कितनी अच्छी है, अल्लाह को फर्क पड़ता है कि पंज वक्त नमाजों का कौन इहतमाम करता है, लोगों के साथ अच्छा तआमुल कौन करता है। तो लिहाजा अल्लाह के नबी ने सोच को बदला, और यह सोच को बदलना यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गलतियों की इस्लाह करने का एक बेहतरीन नमूना था। इसी तरह बहुत सारी मिसालें इस तरह की मिलती हैं, जैसे मिसाल के तौर पर दुनियावी एतबार से हम कहें कि सबसे अच्छा इंसान कौन है, तो आप कहेंगे सबसे हेल्थी जो इंसान है, जो हट्टा कट्टा है, जो मजबूत है, वो सबसे अच्छा इंसान है, और यकीनन ये बात होती भी है। लेकिन क्या अल्लाह के नजदीक सच में लंबा चौड़ा जो हट्टा कट्टा बॉडी और मसल बनाने वाला इंसान अल्लाह के नजदीक भी अच्छा है, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये दुनिया की हमारी सोच है कि जो जिस्म से हट्टा कट्टा है वही अच्छा है, जो दुबला पतला है कमजोर वो बुरा है। इस्लाम को इससे फर्क नहीं पड़ता, इस्लाम को इस बात से फर्क पड़ता है कि इस्लाम की खिदमत कौन करता है, कौन बैठ में घर में खाता है, कौन खिदमत करता है। उसकी एक छोटी मिसाल, एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की मजलिस में गुजरे, कुछ मुनाफिकीन भी वहां बैठे हुए थे। वहां पर एक दरख्त था, खजूर का दरख्त था। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु उस खजूर के दरख्त पर चढ़े हुए थे। आपको पता होगा कि हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद दुबले पतले इंसान थे, इतने दुबले थे उनकी पिंडलियां छोटे बच्चों के जैसी थी, इतनी इतनी छोटी पिंडलियां थी। तो जैसे ही अब्दुल्लाह बिन मसूद खजूर के दरख्त पर चढ़े तो हवा चल रही थी, तो हवा की वजह से कपड़ा हट गया और उनकी छोटी छोटी पिंडलियां लोगों ने देख ली। लोग जोर जोर से कहकहाने लगे, कहा देखो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते हैं, ये देखो बच्चों की जैसे इतनी छोटी छोटी पिंडलियां। तो लोगों ने क्या समझा कि छोटी पिंडलियां मतलब कमजोर इंसान, हट्टी कट्टी पिंडलियां मतलब मजबूत इंसान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा को देखा, और बाज रिवायत में आता है कि मुनाफिकों के जमाती जो हंस रहे थे, तो अल्लाह के नबी ने पूछा कि क्या मसला है, तो कहने लगे अल्लाह के नबी वो अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह उनकी छोटी छोटी पिंडलियों को देख कर हंस रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं खुदा की कसम उन पिंडलियों को तुम मामूली समझते हो, अल्लाह की कसम ये छोटी छोटी पिंडलियां अल्लाह के नजदीक ओहद पहाड़ से ज्यादा भारी है। ये छोटी पिंडलियां अल्लाह के नजदीक ओहद पहाड़ से ज्यादा भरी है। अल्लाह के नबी ने तस्वूर ही बदल दिया, और यही तस्वूर है जिसके बारे में कुरान कहता है इन अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, कि अल्लाह के नजदीक सबसे प्यारा कौन है, जो अल्लाह तबारक व तआला सबसे ज्यादा डरता है। आपका खानदान कितना बड़ा है, किस खानदान के, किस नस्ल के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह को फर्क नहीं पड़ता। इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि कौन मजलिस में आया। बहुत सारे लोग मजलिस में दीनी इल्म हासिल करने की नीयत से आते हैं, बहुत सारे लोग मजलिस में कीड़े निकालने के लिए मजलिस में आते हैं, बहुत सारे लोग इल्म हासिल करने के लिए नीयत से आते हैं। अल्लाह को फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि कौन इबादत की नीयत से आया है, कौन अपने इस नफ्स की इस्लाह की नीयत से आया है, कौन जो है किसी और मकसद से आया। यही बात हम जुमा में भी कहते हैं कि जुमा के अंदर आप अच्छा लिबास पहने और बड़ा ही खुशबू अच्छी लगाएं, लेकिन दिल के अंदर बहुत सारी गंदगियां लेकर आए। और वही बात ईद मिलादुल नबी के बारे में भी है, आपको कितनी भी मोहब्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होगी, मगर आप उस तरीके पर अगर मोहब्बत ना जताएं जिस तरीके पर सहाबा ने जताई थी, तो ऐसी मोहब्बत का कोई फायदा नहीं, ऐसी मोहब्बत का कोई मियार अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं है। तो आप समझ रहे हैं कि अल्लाह के नबी कैसे लोगों की थिंकिंग को बदला करते और सोच को बदला करते, और अल्लाह के नबी बताया करते कि जो सबसे ज्यादा इल्म वाला है, जो सबसे ज्यादा तकवा वाला है, वो कौम का सबसे बड़ा होगा। चाहे किसी का माल कितना भी हो, किसी की हुस्न सूरती कितनी भी अच्छी हो, अल्लाह के नजदीक को बड़ा हो कोई जरूरी नहीं है। यही वजह है कि लोग बहुत सारे क्या है
اس طرح کا تصور رکھا کرتے کہ جو انسان جتنا اچھا ہوتا ہے اس کا مقام بھی اتنا بڑا ہوتا ہے. مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ ایک تصور بھی بدلا. صحابہ کچھ سوچتے تھے, اللہ کے نبی نے سوچ کو بدلا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر پہنچائی گئی اور کہا گیا کہ آپ کے فرزند کا انتقال ہو چکا ہے. اللہ کے نبی مسجد میں موجود تھے, فوراً آپ کے فرزند کے انتقال کی خبر سنائی گئی. حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ تھے جو آپ کے فرزند تھے, انتقال ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے دوڑے آئے اور اپنے بچے کو ہاتھ میں اٹھا کر رونے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے, آپ کے دل میں تکلیف ہو گئی, آپ نے اپنی بچی کی لاش کو ہاتھ میں اٹھایا, آپ رونے لگے اور روتے روتے کہنے لگے کہ ان العین تدمع وما ولا نقول الا ما رضى ربنا. اللہ کے نبی کہنے لگے دل میں تکلیف ہے, آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں, مگر ہم وہی کہیں گے جو اللہ کو پسند ہے, اپنے سے کچھ نہیں کہیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چھوٹے معصوم بچے کو لیا کر قبر میں دفنا دیا, تو اسی دن چاند گرہن ہو گیا. بعض روایتوں میں اسی دن آتا کہ سورج گرہن اسی دن ہو گیا. تو لوگوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے تو سورج گرہن ہو گیا. کیا کہنے لگے صحابہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کیونکہ نبی ہیں, ان کے بیٹے ہیں تو یقیناً معزز ہوں گے, نبی کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے تو یہ سورج گرہن ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کان کی بات پر بات پڑی تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ سورج گرہن چاند گرہن یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے, نہ کسی کے پیدا ہونے پر ایسا ہوتا ہے, نہ نبی کے بیٹے کے مرنے پر ایسا ہوتا ہے. لوگوں کی تھنکنگ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلا, اور یہی ہمیں کرنا بھی چاہیے. اگر کسی کی سوچ ہی غلط ہے تو اس کی سوچ کو بدلنے کی کوشش کریں, نہ کہ اس انسان کو آپ غلط ٹھہرائیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کا ایک بہترین طریقہ, دعوت کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ الٹرنیٹیو پیش کرنا. اگر کوئی انسان کسی غلطی میں ملوث ہے, کسی گناہ میں لمبے وقت سے درکار ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو دیکھا کرتے جو لوگ غلطیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. غلطی کرنا جن کا عام بات ہے, اللہ کے نبی ان کے سامنے الٹرنیٹیو پیش کیا کرتے. آپ یہ غلطی کر رہے ہیں, اس سے بہتر آپ یہ کیجئے, آپ ان کے سامنے بدیل پیش کیجئے. ایسا نہ کہ آپ کہتے کہ غلطی اسے چھوڑ دو, اب وہ انسان اس کو کرنا ہے, کچھ نہ کچھ کرنا ہے. تو ضروری ہے کہ جب کسی کو آپ غلط کام سے روکیں تو اس کے سامنے اچھی چیز بھی اس کے سامنے بیان کریں, تاکہ وہ اس کام سے چھوڑ کر اچھے کام کی طرف نظر آئے. یہی وجہ ہے کہ اسلام نے جب زنا کو حرام قرار دیا تو اسلام نے ایک راستہ بھی بتایا ہے. کیا راستہ ہے؟ نکاح کرنے کا. اگر آپ یہ کہا جائے کہ زنا حرام ہے اور کسی طریقے سے کوئی کام نہیں کر سکتے تو جوان لوگ کیا کریں گے؟ تو اسلام نے زنا کو حرام قرار دیا تو اسلام نے شادی کو جائز قرار دیا, اسلام نے سود کو حرام قرار دیا تو اسلام نے کس کو حلال قرار دیا؟ تجارت کو حلال قرار دیا. یہ اسلام ہے, ایک طریقے سے منع کرتا ہے تو اس سے ملتی جلتی چیز جو اسلام کے اندر ہے اسلام انہیں جائز قرار دیتا ہے. اسی لیے دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مردار جانور کو حرام قرار دیا, خنزیر کو حرام قرار دیا, یا اسی طرح بہتے ہوئے خون کو حرام قرار دیا, تو اللہ نے اس کے مقابلے میں بہت ساری چیزیں ہمارے لیے حلال کی ہیں کہ جو جانور ہے اسے کھا سکتے ہیں, گائے بیل بھینس اونٹ سب کھا سکتے ہیں. اس لیے دوسرے مد مقابلے میں جانوروں کو حرام قرار دیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلطیوں کی اصلاح ایسے ہی کرتے, جب کسی شخص کو غلطی کرتے ہوئے دیکھتے تو اللہ کے نبی کہتے کہ ایسا نہیں بلکہ ایسے کیا کرو, ایسے کیا کرو, اگر تم کو کرنا ہی ہے تو ایسے کرو. ایک مثال دیکھیں, مثال یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے. مسجد میں داخل ہونے کے بعد آپ نے مسجد کی دیوار پر بلغم کو دیکھا, تھوک کو دیکھا, کسی نے مسجد میں تھوک دیا تھا اور بلغم صاف طور پر نظر آ رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر اٹھایا اور اس بلغم کو کھرچنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع تھا. بہت سارے لوگ ہیں جو تھوڑی سی ذمہ داری پا جاتے ہیں, مسجد تو چھوڑیے کسی چیز کو صاف کرنا پسند نہیں کرتے. یہ اللہ کے نبی کا تواضع تھا, آپ نے گندگی کو دیکھا, چھوٹا پتھر لے کر اس گندگی کو صاف کر رہے تھے. اب صحابہ جیسے ہی مسجد میں اکٹھا ہوئے تو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اصلاح کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا تنخب احدکم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو نماز میں تھوک آ جائے, کسی کو بلغم آ جائے اور وہ تھوکنا چاہتا ہے تو نہ قبلے کی طرف تھوکے نہ اپنے رائٹ سائیڈ تھوکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. کیا منع کیا؟ کہ قبلے کی طرف بھی نہیں تھوکنا ہے اور رائٹ سائیڈ بھی نہیں تھوکنا ہے, لیکن اگر کسی کو تھوکنا ہے تو لیفٹ سائیڈ تھوکے یا اپنے پیروں کے نیچے تھوکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں سے منع کیا تو دو راستے بھی اللہ کے نبی نے کھول دیے. تو یہ غلطیوں کی اصلاح کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہترین طریقہ تھا. اور ایک طریقہ, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے اندر آتا ہے, حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خیبر کے کھجور آئے. خیبر مدینہ سے قریب ہے لیکن تھوڑا دور بھی ہے, تو وہاں سے کھجور آئے, بڑے پیارے کھجور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور لیے اور کہا کیا کیا خیبر کے سب کھجور ایسے ہی اچھے ہوتے ہیں؟ کہ اتنے ہی اچھے کھجور سب خیبر کے ہوتے ہیں؟ تو حضرت ابو سعید خدری کہنے لگے اے اللہ کے نبی نہیں, ایسا نہیں ہے, خیبر کے اندر بہت ہی کم ایسے اچھے کھجور ہوتے ہیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب اچھے کھجور ہمارے پاس آ جائیں تو اس کو دیکھ کر, اگر ایک کلو اچھے کھجور دیں گے تو پانچ کلو کم کھجور جو ردی ہوتے ہیں معمولی کھجور ہوتے ہیں ان کو ہم خریدتے ہیں. کیا کہنے لگے حضرت ابو سعید خدری کہ اچھے کھجور دے کر ہم اس سے کم کوالٹی کے کھجور زیادہ میں خریدتے ہیں, ایک کلو دے کر تین کلو لیتے ہیں پانچ کلو لیتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا.
कहा अल्लाह के नबी ने कहा कि सूद है, जब खजूर को खजूर से बदला जा रहा है तो एग्जैक्टली क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, किलो तो किलो। लेकिन सहाबी कहने लगे अल्लाह के नबी अच्छे खजूर है, अच्छे खजूर एक किलो देकर बुरे खजूर कौन लेना पसंद करेगा। अब अल्लाह के नबी अल्टरनेटिव देते हैं, अल्लाह के नबी कहते हैं कि जब तुम्हारे पास इतने ही अच्छे खजूर है तो उस अच्छे खजूर को पहले बेच दो, उससे जो पैसे मिल जाए उससे वो खजूर खरीद लो जो तुम्हारे लिए मामूली है। तो अल्लाह के नबी ने गलती से रोका तो उसके लिए अल्लाह के नबी ने क्या किया, अल्टरनेटिव, उसका बदला और बदील भी जिक्र किया। ये गलतियों की इस्लाह का एक बेहतरीन तरीका है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी ही गलतियों की इस्लाह करते थे। अगर आप देखें कि सहाबा से बहुत सारी गलतियां होती थी, एक गलती गलतियों में सहाबा इकराम में से गलती अल्फाज की गलती होती थी। आज बहुत सारे लोग होते हैं जब किसी के लफ्ज को पकड़ते हैं कि आपको का नहीं की कहना चाहिए था, तो लोग कहते हैं कि ये बड़ा वैसा इंसान है, का की में हमेशा पड़ा रहता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लफ्ज लफ्ज की गलतियां पकड़ा करते थे और आपकी गलती की इस्लाह का तरीका था। अल्लाह के नबी लफ्ज लफ्ज को पकड़ा करते और अल्लाह के नबी गलती पकड़ने में बड़ी दिक्कत से होते। मिसाल देखिए कि एक मरतबा हजरत जाबिर बिन सुलेम आए, नए नए मुसलमान हो चुके थे, अल्लाह के नबी को उन्होंने देखा नहीं था। जैसे मजलिस में आए तो को देखा कि अल्लाह के नबी के बाजू इकट्ठा है, तो पूछा कि वो कौन है जो बीच में बैठे, तो कहा गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हजरत जाबिर बिन सुलेम मारी खुशी के गए और कहने लगे अलैका सलाम या रसूल अल्लाह, कहने लगे ऐ अल्लाह आप पर अल्लाह की सलामती हो ऐ अल्लाह के रसूल, दो मरतबा जोर जोर से कहा। सारे सहाबा इकट्ठा है, पीछे से आ रहे हैं और जोर से कह रहे अलैका सलाम या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आप पर अल्लाह की सलामती हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ देखा और कहा कि तुम ऐसा मत कहो, तुम यह मत कहो कि आप पर अल्लाह की सलामती हो, बल्कि तुम कहो कि सलामती हो अल्लाह की आप पर, अस्सलामु अलैकुम तुम कहो। जुमले पर गौर करें, उन्होंने कहा अलैकुम, अलैकुम पहले कहा और सलाम को बाद में कहा। अल्लाह के नबी कहते हैं कि सलाम को पहले करो, अलैकुम तुम बात करो। क्यों? इसकी वजह उलमा बयान करते हैं कि यह सलाम अल्लाह के नामों में से है, ये सलाम अल्लाह के नामों में से है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ये कभी भी अल्लाह के बराबर नहीं हो सकती। लिहाजा सबसे पहले किसकी जात का जिक्र किया जाएगा, अल्लाह की जात। कहा तो सलाम को पहले कहो और फिर बाद में कहो कि आप पर हो। छोटा सा लफ्ज देख रहे हैं अलैकुमुस्सलाम, सलामु अलैकुम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बड़ी गलती को पकड़ कर कहा कि ये मत कहो कि अलैका सलाम आप पर अल्लाह की सलामती हो, बल्कि तुम कहो कि सलामती हो अल्लाह की आप पर, क्योंकि अल्लाह ये सलाम अल्लाह के नामों में से है और अल्लाह के नाम को हमेशा आगे रखना चाहिए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी अल्लाह के नाम को आगे रखना चाहिए। देख रहे हैं कितना छोटा लफ्ज है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लफ्ज को भी पकड़ा करते। बहुत सारी मिसालें जो अल्लाह के नबी लफ्ज लफ्ज पर सहाबा की गिरफ्त करते। मिसाल के तौर पर जब मदीना के अंदर खजूर आते, माजरत के साथ जब अंगूर आते तो लोग अंगूर को करम कहते थे। करम यानी जो जिसे हम किशमिश कहते हैं, ऐसा अंगूर जो दुबला पतला हो गया हो, ऐसा अंगूर जिसे खाने में मजा भी आए लेकिन जो वजन में हल्का भी हो, तो ये करम को अंगूर को करम कहते थे। क्यों आरम को अंगूर, आरम को ये जो अंगूर है इसे करम क्यों कहते थे? इसलिए कि उसके मामूली हजम की वजह से। और असल में करम का मतलब होता है जो इंसान अच्छा हो, जो इंसान बड़ा नेक हो, प्यारा हो और जिससे हमेशा फायदा हो, तो एक मुसलमान को भी करम कहा जाता था और सहाबा इकराम क्या है जो किशमिश है उसको भी करम कहते थे। तो दो बात, एक तो मुसलमान को भी करम कहा जाता है और किशमिश को भी सहाबा करम कहते थे। तो अल्लाह के नबी ने मना किया कि आइंदा से किशमिश को तुम क्या करम मत कहो। किसलिए मना करम मत कहो? ऐसा ना हो कि किसी के घर में बुरे किशमिश आए और इंसान कहे कि कितने घटिया किस्म के करम आए हैं, कितने घटिया किस्म के करम आए, और कोई इंसान यह समझे कि कोई किसी मोमिन को गाली दे रहा है, कोई किसी मोमिन को गाली दे रहा है। हालांकि बात फल की हो रही है, लेकिन एक मुसलमान को भी करम कहा जाता था। तो अल्लाह के नबी ने इतने बारीक नुक्ते को पकड़कर कहा कि आइंदा से कोई खजूर को करम ना कहे, आइंदा से कोई अंगूर को करम ना कहे, क्योंकि करम एक मुसलमान का भी नाम है। तो लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया। इसके अलावा कुरान में भी अल्लाह तबारक व तआला ने इसी लफ्ज का इस्तेमाल किया। कुरान में अल्लाह कहता है रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम अहले बैत, कि अल्लाह की रहमत हो, अल्लाह की बरकत हो तुम अहले बैत पर। जैसे आज लोग कहते हैं सबसे पहले अहले बैत का नाम लेते हैं, आते हैं लोग सलाम भी नहीं करते हैं, आते हैं लोग कुरान की तिलावत भी नहीं करते, मजलिसों को शुरू कर देते हैं। ऐसी मजलिसों में कहां से बरकत आएगी जहां कुरान की तिलावत पहले नहीं की जाती है? तो जरूरी है कि कोई भी काम शुरू करे तो सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला की जात को आगे रखा जाए, इबादत में हो या हर चीज में हो, ठीक है? तो कुरान में भी अल्लाह तबारक व तआला ने इसी लफ्ज का इस्तेमाल किया। और हम देखते हैं कि आप अत्तहियात पढ़ते हैं, अत्तहियात पढ़ते हैं सब लोग, क्या कहते हैं, अलैकुम सलाम कहते हैं या अस्सलाम अलैकुम कहते हैं? अस्सलामु अलैकुम कहते हैं। तो यहां पर अल्लाह के नाम को मुकद्दम रखा जाता है, बाद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया जाता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे छोटे लफ्जों को पकड़ कर भी गलती की इसलाह करते थे। चलिए माजरत के साथ आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, कुछ और बातें कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। गलतियों की इसलाह में जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबान से इसलाह की वो है डांटना।
अल्लाह के नबी डांट कर इस्लाह करते थे। अब किसी शख्स को डांटा जाए तो हमेशा हम ये सोचते हैं कि डांटने वाला यकीनन हमसे नफरत करता तभी जाकर हमसे डांट रहा है, जबकि कुरान और हदीस कहती है कि जो इंसान जिससे मोहब्बत करता है अपने महबूब को ही इंसान डांटता है। अगर मैं डांटू किसी को अपनी औलाद को तो ये नहीं कि मैं अपनी औलाद से नफरत करता हूं, तो डांटना यह मोहब्बत की अलामत शरीयत बताती है, डांटना कभी भी बुग्ज़ की अलामत नहीं है। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डांटा, इसीलिए तो अल्लाह के नबी सहाबा को डांटते थे। अगर डांटना दुश्मनी की अलामत होती तो अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों डांटता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को क्यों डांटते? तो ये तसव्वुर हटा दे कि अगर आपको कोई डांटता है, अगर आपको कोई टोकता है तो इंसान आपसे नफरत ही करता है, बल्कि डांटना और टोकना ये क्या है, एक मोहब्बत की अलामत है। जैसे कि कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डांटा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान में अल्लाह ने डांटा है। क्या कुरान की आयत, अल्लाह कहता है अफल्लाहु अनका लिमा अदिनत लहुम हत्ता यतबयन लकल लदीन सदकु व तअलम अलकाذिबीन। अल्लाह कहता है कि अल्लाह ताला ने आपको माफ कर दिया क्योंकि आपने उनको परमिशन दी, इजाजत दी थी, आइंदा से किसी को इजाजत ना दे यहां तक कि आपके सामने वाज़ेह हो जाए कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। गज़वे तबूक का मौका था, यह किस्सा क्या, गज़वे तबूक का मौका था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गज़वे तबूक के लिए निकल रहे थे, 800 किलोमीटर का लंबा फासला था, सख्त गर्मी थी, सफर करने का बड़ा मुश्किल था, अल्लाह के नबी ने सहाबा को निकलने का हुक्म दिया, तो बहुत सारे मुनाफिकीन आते बहानेबाजी करते, अरे अल्लाह के नबी मेरे घर में ऐसा मसला है, अल्लाह मेरे घर में ऐसा मसला है, अल्लाह के नबी बगैर तहकीक के सबको परमिशन देते, यहां तक कि कुछ सहाबा इकराम ने भी आकर ऐसी परमिशन मांगी, अल्लाह के नबी ने सबको परमिशन दे दी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको डांटते हुए कहा कि आपने बगैर तहकीक के लोगों को कैसे परमिशन दी, हाँ बगैर तहकीक की कैसी परमिशन दी। चलिए जो आपसे गलती हो गई है अल्लाह इसको माफ करता है, अल्लाह इसको माफ करता है, तो लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने आपको डांटा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बीवियों को खुश करने के लिए शायद को हराम कर लिया, आपने किस्सा बारहा सुना होगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों ने आपस में थोड़ी सी डील कर ली और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फंसा दिया, यहां तक कि अल्लाह के नबी ने मारे गुस्से के कह दिया कि आज से मैं शहद को पीऊंगा नहीं, मैं शहद को अपने ऊपर हराम कर लेता हूं। अल्लाह ताला ने डांटते हुए कहा कि या अय्युहन नबी, ऐ नबी लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाह, कि अल्लाह ताला ने जो चीज आपके लिए हलाल की आप अपने ऊपर क्यों हराम करते हैं। तब तगी मर्जात अज़वाजिक, क्या अपनी बीवियों को खुश करने के लिए आप करते हैं। अल्लाह ताला ने आपको डांटा तो क्या पता चलता है कि डांटना ये बुग़्ज़ की नहीं बल्कि मोहब्बत की अलामत है, ये मोहब्बत की अलामत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे सहाबा को डांटा है, अल्लाह के नबी ने भी बहुत सारे सहाबा को डांटा है। एक हदीस है, एक मर्तबा हातिब बिन अबी बल्ता रज़ियल्लाहु अन्हु, बड़ी मशहूर हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह करने का इरादा किया, मक्का पर हमला करना चाहा, तो अल्लाह के नबी चाहते थे कि ये काम सीक्रेटली हो, किसी को बताया ना जाए, लिहाजा सहाबा की एक छोटी जमात को अल्लाह के नबी ने इकट्ठा किया और कहा कि फला फला दिन हम लोग हमला करेंगे, मक्का पर हमला करेंगे, मक्का वालों की बात पता ना चले। उसमें हजरत हातिब बिन अबी बल्ता भी थे। हजरत हातिब बिन अबी बल्ता ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सुनकर फौरन खत लिखा और एक औरत के हवाले किया कि जाओ मक्का वालों को दे दो, वो औरत चली गई। अल्लाह तबारक व ने आसमान से आयत नाज़िल करते हुए अल्लाह के नबी को बताया कि आपके सहाबी ने फला फला ऐसा काम किया है, बल्कि यह बताया गया कि फला फला इंसान ने ऐसा काम किया है, फला फला औरत है जो इस जगह पर है, उसके पास एक खत है जिस खत के अंदर यह पैगाम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन दो सहाबा को भेजा और कहा कि जाओ, जिसमें हजरत अली भी थे, कि जाओ फला जगह रोजत व खाक नाम की एक जगह है, वहां तुम्हें एक औरत मिलेगी, इस तरह का उसने लिबास पहना होगा, उसके पास से जाकर चींटी खींचकर लाओ। हजरत अली गए और एक सहाबी गए, उसी जगह पर पहुंचे जिस जगह अल्लाह के नबी ने बताया था और उसी हालत में उस औरत को पाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से उन्होंने चिट्ठी को लिया और सीधे अल्लाह के नबी की मजलिस में दाखिल हुए, तो क्या देखते हैं कि वो चिट्ठी आपके सहाबी हजरत आतिब बिन अबी बल्ता रज़ियल्लाहु अन्हु के जानिब से थी। अल्लाह के नबी ने मारे गुस्से के कहा मा हाज़ा या हातिब, अरे हातिब ये क्या है, क्या मैंने नहीं कहा था कि इस बात को सीक्रेट रखा जाए और तुमने खत लिखकर पैगाम पहुंचा दिया, मक्का वालों को बताना चाहा। तो हजरत हातिब कहने लगे अरे अल्लाह के नबी आराम से, अरे अल्लाह के नबी आराम से, मुझ पर कोई जल्दी में फैसला मत कीजिए, इसलिए कि ये मैंने ना कुफ्र की वजह से किया है ना निफाक की वजह से किया है, मैं बताता हूं कि मैंने असल किया क्यों है। तो कहने लगे ऐ अल्लाह के नबी, जितने आपके यहां सहाबा मौजूद हैं इन सब के घरवाले मक्का में मौजूद हैं, इन सबके घर वाले मक्का मौजूद हैं, अगर हम मुशरिकीन पर हमला करेंगे और मुशरिकीन देखेंगे मुसलमान आ रहे हैं तो लिहाजा सबसे पहले उनके रिश्तेदार को यहां मार दे, तो जब वो अपने रिश्तेदारों को मारने जाएंगे तो इनके बहुत सारे रिश्तेदार वहां हैं जो अपने रिश्तेदारों को बचाएंगे, मेरे घर वाले वहां पर हैं लेकिन मेरे घर वालों को बचाने वाला कोई नहीं है, तो मैंने चाहा कि मुशरिकीन पर मैं एक एहसान करूं आपके आने के बारे में बताने, ताकि वो मेरे घर वालों को ना सताए, मेरे घर वालों को ना मारे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े इत्मीनान से पूरी बात सुनी, अल्लाह के नबी ने कहा के सदक तुमने सच कहा। हजरत उमर उठकर खड़े हो गए, अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि हातिब तुमने सच कहा, तुमने कुफर के तौर पर अल्लाह के रसूल के उसूल को धोखा देने की नीयत से नहीं, इसी नीयत से किया है, तुमने सच कहा। हजरत उमर तलवार लेकर खड़े हो गए और कहने लगे अल्लाह के नबी आप मुझे इजाजत दीजिए, इस मुनाफिक की गर्दन को मैं अभी मार दूं।
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے احسان کو یاد دلاتے ہوئے کہا, اے عمر کیا تم کو نہیں پتا کہ یہ بدری صحابی ہیں, کیا تم کو نہیں پتا کہ یہ بدری صحابی ہیں, اور بدری صحابیوں کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم, اے بدریوں تم نے اسلام میں اتنا بڑا کام کیا ہے کہ اگر اس کے بعد کوئی غلطی بھی کرو گے تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا, تم اگر اس کے بعد کوئی غلطی بھی کرو گے تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا. اب یہ بدری ہے, ان سے غلطی ہو گئی ہے اور اللہ نے غلطی ہوتی ان کو معاف بھی کر دیا ہے, تو لہذا مواخذہ کرنے کا کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتم کو ڈانٹا ضرور, مگر ڈانٹنے کے بعد اللہ کے نبی نے کوئی کاروائی نہیں کی. اس حدیث سے اور ایک بات پتہ چلتی ہے, اس بات کو بتا کر ان شاء اللہ تعالیٰ اپنی بات ختم کروں گا. وہ بات یہ ہے کہ آپ اس حدیث پر غور کریں, ایک جملہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے. آج بہت سارے لوگوں کا تصور الگ ہے, میں بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام کا تصور کیا ہے. مثال کے طور پر اس صحابی پر غور کریں, حضرت حاتم بن ابی بلتا, اللہ کے نبی نے کاروائی کرنے سے کیوں روکا؟ کیونکہ وہ بدر میں شریک تھے, اور جو بدر میں شریک ہوئے ہیں ان کا اسلام میں بہت بڑا احسان ہے, اسلام کے اندر انہوں نے احسان کیا. تو یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اگر کوئی انسان ایسا ہے جس کے اسلام پر بہت سارے احسانات ہیں, اسلام کی بہت ساری خدمتیں اس نے کی ہیں, اس سے اگر غلطیاں ہو بھی جاتی ہیں تو اس کے اسلام پر کیے گئے احسانات کو دیکھ کر اس کی غلطیوں کو معاف کیا جائے گا. وہی غلطیاں اگر ایک عام انسان کرے تو اسے معاف نہیں کیا جائے گا. بات سمجھ رہے ہیں آپ کہ اگر کوئی انسان اسلام کے اندر بہت ساری نیکیوں کو انجام دیتا ہے, قوم کا بڑا ہے, یا یہ سمجھے کہ عالم دین ہے, وہ اگر اس کی بہت ساری خدمتیں لوگوں کے لیے ہیں, اگر خدمتوں کے مقابلے بہت ساری خدمتیں چھوٹی موٹی غلطیاں اس سے ہو جاتی ہیں تو اس کی غلطیوں کو معاف کیا جائے گا. وہی غلطی ایک عام انسان سے ہو تو اسے معاف نہیں کیا جائے گا. اللہ میں ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہمیشہ اسلام کا قانون رہا ہے, کہ جس کی نیکیاں بہت زیادہ ہو اس سے چھوٹی موٹی غلطیوں کو معاف کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر اس کی مثال دیکھیں, حضرت عثمان بن عفان جو غزوہ تبوک کا میں نے ذکر کیا کہ لمبا 800 کلومیٹر کا فاصلہ جانا تھا, مسلمانوں کے پاس سفر کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا, تو حضرت عثمان بن عفان آئے. کیونکہ اللہ کے نبی نے صدقہ کرنے کا حکم دیا. حضرت عثمان بن عفان آئے, اپنے گود میں سونا بھر کر لائے اور سیدھا لا کر اللہ کے نبی کے گود میں ڈال دیا. اللہ کے نبی سونا لے کر پلٹا کر دیکھ رہے ہیں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں اتنا سونا کبھی نہیں دیکھا تھا. اللہ کے نبی مارے خوشی میں کہتے ہیں کہ ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم, اے عثمان تم نے جو سونا ڈال کر اتنی بڑی نیکی کر لی ہے کہ اگر اس نیکی کے بعد کچھ بھی کرو گے تو تمہارا عمل اتنا بڑا ہے کہ کوئی عمل تم کو نقصان نہیں پہنچائے گا. اللہ کے نبی نے کھلی پرمیشن دی, کہا تم نے اسلام میں اتنا بڑا احسان کیا, اس احسان کے مقابلے میں اگر چھوٹی موٹی تم سے غلطیاں ہو بھی جائیں تو وہ غلطیاں تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گی. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ نبی تو بہت سارے تھے لیکن کچھ نبیوں سے بہت بڑی بڑی غلطیاں ہوئی, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے فضل کو دیکھا تو ان کی بڑی بڑی غلطیوں کو معاف کر دیا. مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, آپ جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ بات جب صبر کی کرتے ہیں تو کس نبی کا ذکر کرتے ہیں؟ سب سے زیادہ صبر کرنے والے نبی کون ہیں؟ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن اللہ کے نبی نے حضرت موسیٰ کا بھی ذکر کیا. اللہ کے نبی کہتے ہیں رحم اللہ موسیٰ لقد اودی فی اللہ کثیرا, اللہ کے نبی کہنے لگے کہ اللہ حضرت موسیٰ پر رحم فرمائے کہ ان کی قوم والوں نے بہت ستایا اور حضرت موسیٰ نے بہت زیادہ صبر کیا. یہی وجہ تھی کہ حضرت موسیٰ نے اتنا صبر کیا تھا کہ حضرت موسیٰ سے بہت بڑی بڑی غلطیاں ہوئی, مگر اللہ نے ان کے صبر کو دیکھ کر بڑی بڑی غلطیوں کو معاف کیا. مثال کے طور پر سب سے بڑی غلطی جو حضرت موسیٰ سے ہوئی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو تختیاں دی, تورات نازل کیا. حضرت موسیٰ ان تختیوں کو اٹھا کر لے کر آئے, جیسے ہی دیکھا کہ قوم والے بتوں کی عبادت کر رہے ہیں زور سے ان تختیوں کو زمین پر پٹک دیا. گویا ایسے ہی ہے جیسے انسان نے قرآن کو اٹھایا اور زمین پر زور سے قرآن کو پٹک دیا. اب بتائیے کہ اگر قرآن کو زمین پر زور سے پٹک دے, چھوٹا گناہ ہے کہ بہت بڑا گناہ ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے. حضرت موسیٰ نے بڑا گناہ کیا, اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کیا. کیوں معاف کیا؟ کیونکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھے. موسیٰ علیہ السلام سے دوسری بڑی غلطی کہ انہوں نے ایک گھونسا مار کے ایک انسان کو قتل کر دیا. قتل کرنا کوئی معمولی گناہ ہے, اللہ نے اس پر بھی معاف کیا. یہاں تک کہ ملک الموت, موت کا فرشتہ حضرت موسیٰ کے پاس آیا, حضرت موسیٰ نے اسے بھی گھونسا مار دیا. یہاں تک کہ ملک الموت کے فرشتے کی ایک آنکھ نکل گئی, اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی معاف فرما دیا. بلکہ بات یہاں تک نہیں رکتی کہ حضرت موسیٰ سے اور ایک بڑی غلطی مرنے کے بعد بھی ہو گئی. مرنے کے بعد بھی حضرت موسیٰ سے غلطی ہوئی. آپ نے سنا ہوگا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے, تو جیسے ہی چھٹے آسمان پر اللہ کے نبی پہنچے تو وہاں پر آپ نے حضرت موسیٰ سے ملاقات کی. اب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی, جیسے اللہ کے نبی آسمان پر جانے لگے تو حضرت موسیٰ کہنے لگے, اے اللہ تیرا کیسا فیصلہ ہے کہ یہ بچہ میرے بعد آیا. حضرت موسیٰ کیا کہتے ہیں غور سے سنیں, کہتے ہیں کہ یہ بچہ میرے بعد آیا ہے اور اس کی امت میری امت سے بہتر ہے اور یہ مجھ سے اچھا ہے, اے اللہ یہ تیرا کیسا فیصلہ ہے. حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں تو حضرت جبرائیل سے اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, تو حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ اپنے رب کو ڈانٹ رہے ہیں. اسی طرح حدیث کے الفاظ ہے ان موسیٰ یعاتب ربہ, کہ حضرت موسیٰ اللہ کو ڈانٹ رہے ہیں.
क्या ये मामूली गलती है कोई अल्लाह को डांटे? लेकिन अल्लाह ताला ने माफ किया क्योंकि वो कौन थे? हजरत मूसा थे। तो ये बात पता चलती है कि अगर कोई आदमी सब्र करने में आगे हो, दीन के अंदर उस पर बहुत सारे एहसानात हो, बसाओकात उसके एहसानात को याद करके उसकी छोटी मोटी गलतियों को छोड़ देना, ये खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गलतियों की इस्लाह का एक बेहतरीन तरीका है। बातें बहुत भी कही जा सकती हैं लेकिन वक्त ज्यादा हो गया। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम में से हर शख्स को गलतियों की इस्लाह का जो नबवी तरीका है उसे सीखने, उसे समझने और उसे अपनी जिंदगी में नाफिज करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हर किस्म के शर व फसाद से हम सबको बचाए। आमीन व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।